वेलकम टू एडूएमराल्ड। कैसे हैं सब? बढ़िया, सब लोग आ जाएं। आदित्य, सब बढ़िया? आज भी हम लोग YouTube पे लाइव हैं। आप सबको पता है कि GS वर्ल्ड का कोर्स शुरू हो चुका है और शुरुआत के कुछ दिन हम लोग YouTube पे लाइव आ रहे हैं ताकि आप लोग तक इसका एक मैसेज चला जाए, आप लोगों को डेमो मिल जाए ताकि आप लोग अपना मन बना लें। हालांकि इस कोर्स को लॉन्च करने के साथ ही जो रिस्पांस मिले हैं वो बहुत शानदार रहा है और आप सब लोग का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और बिना टाइम बर्बाद किए हुए आज से हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। अब आज हिस्ट्री पढ़ना है, पहली क्लास है, तो हम लोग आज पहले क्लास से शुरू करेंगे और बकायदा पूरा का पूरा इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग जल्दी से देखिए कि हम लोग को आज से क्या पढ़ना है, हिस्ट्री। अब मेरी कुछ लिमिटेशन है, मैं आप लोगों को साइंस तो पढ़ा नहीं सकता हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री। और हिस्ट्री में कुल मिला के करीब 50 घंटे का होगा। बीच में संडे को भी मैं आऊंगा ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस जो है वो पूरा हो सके। इस कोर्स के बारे में डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो अपडेट कर दिया जाएगा, वो अपडेट किया जा रहा है। क्या है? हाँ, राजा ललितादित्य हमारे हिस्ट्री में क्यों नहीं है? बिल्कुल है, इस बार रहेगा, इस कोर्स में आप देखेंगे रहेगा। अखिलेश प्रताप सर भी पढ़ाएंगे ज्योग्राफी इसी क्लास में, उधर कमेंट सेक्शन पे आ जाइए सब लोग। चलिए अब शुरू करते हैं, हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री। और अब आप लोग एज ए स्टूडेंट देखिए, यदि मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं, अब हम लोग क्लास में तो है नहीं, क्लास में आपका चेहरा सामने होता है, आपके एक्सप्रेशन, आपके इमोशन पता चलते हैं, ये यहां थोड़ा कम हो पाता है। तो जब कुछ मैं पूछूं तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसका आंसर दे सके, आप उसका रिप्लाई कर सके। तो हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री। और आप सब लोग जानते हैं हिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है, बोरिंग, बहुत बोर करने वाला सब्जेक्ट। मतलब हिस्ट्री सुनते ही फीलिंग में चेंज आ जाता है, ऐसे नॉर्मल यदि लोग खुश है तो दुखी हो जाता है। तो आज से हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री। आप सबको पता होगा, आप सब जानते हैं, आप लोग पहली बार कोई हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, आप लोग हमेशा से इतिहास पढ़ते आए हैं, स्कूल में, कॉलेज में, बस में, ट्रेन पे, मेट्रो पे, हर जगह आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ सुनते हैं। फेसबुक यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, हिस्ट्री का ज्ञान हमें मिलता रहता है। और हम सब लोग जानते हैं हिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है, बोरिंग। लेकिन आप यदि इस नाम को देखें तो नाम लिखा है HI+ स्टोरी। HI मतलब पुराना और स्टोरी मतलब कहानी। ये पुरानी कहानी है, ये कहानी है हमारे पिताजी की, ये कहानी है हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी, जब गांधी जी से मिलने गए थे तब की, जब भगत सिंह से मिलने गए थे तब की। ये कहानी है हमारे पिताजी के पिताजी के 10^21 पिताजी की, जब वो किसी सभ्यता की शुरुआत कर रहे थे तब की। अपने पूर्वजों की कहानी है, बोरिंग होने का तो कोई सवाल नहीं है। ये आप देखेंगे हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। और ये बिल्कुल कहानी की तरह है, इसमें कोई बोर होने वाली बात नहीं है। लेकिन केवल बोर होने ना होने से काम तो चल नहीं जाता है, एक सवाल अब भी रह जाता है हमारे पास कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़े, हिस्ट्री पढ़ने से क्या फायदा होगा, क्या कुछ मतलब कुछ फायदा है क्या हिस्ट्री पढ़ने से? हम लोग को साइंस पढ़ना चाहिए, हम लोग को टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहिए, हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, हम लोग को मंगल ग्रह पे जाना है, हम लोग को 100 मंजिला इमारतें बनानी है, हमें मेट्रो ट्रेन चाहिए, हमें बुलेट ट्रेन चाहिए। इस दौर में हम इतिहास, टांगा, ये सब पढ़ के क्या करेंगे? हिस्ट्री पढ़ने से क्या फायदा हो, कोई फायदा है क्या हिस्ट्री पढ़ने में? हाँ आशीष जी, रेगुलर क्लास होगी, नमस्कार, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, चलिए वेरी गुड। जल्दी से बताइए हिस्ट्री पढ़ने का क्या फायदा है, क्यों पढ़े हिस्ट्री, क्या होगा? हाँ कोई बात नहीं, अब ठीक है, हाँ ठीक है, अब जल्दी से बताइए हिस्ट्री पढ़ने से क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा? तो हिस्ट्री पढ़ने का एक फायदा हमारे पास है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके परीक्षा में आएंगे। और चूंकि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे इसलिए हिस्ट्री जो है आपको पढ़ना पड़ेगा।
अच्छा एक सवाल और हमारे पास है कि यदि हमारे हाँ वेरी गुड बिल्कुल, अब आप बताइए कि हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और चूंकि एग्जाम में आएंगे इसलिए हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना है। अब एक सवाल है कि कितने क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे, वो अलग अलग परीक्षाओं पे डिपेंड करता है। यदि आप प्रेजेंटली हम इस हालत में क्यों है इसके लिए हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे, देखते हैं क्या है। अब बताइए कितने क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, जैसे मान लीजिए आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो कभी दो क्वेश्चन आ गया, कभी तीन क्वेश्चन आ गया, कभी कभी तो नहीं भी आ गया, मतलब आता है, कहने का मतलब अब इतने सारे क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन छुप जाता है, या तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन मैक्सिमम पांच, आप मान के चलिए दो से पांच क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे अब एसएससी के लिए। बाकी एग्जाम में हम लोगों का जो ये बैच है वो पीसीएस लेवल तक का है, और आप यदि पीसीएस में जाएंगे तो आप देखेंगे 20-20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक ही परीक्षा में एक ही दिन में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हिस्ट्री इसलिए पढ़ना है क्योंकि परीक्षा में आएगा, तो ऐसा लगता है कि हम मजबूर हैं, और हम लोग एक ऐसे जनरेशन के लोग हैं जो मजबूरी में काम नहीं करते हैं, अच्छा लगता है तो करते हैं, नहीं तो बढ़िया मौसम है हम लोग को सोना पसंद है, हम लोग को मूवी देखना पसंद है, हम लोग को ठंड के मौसम में धूप के नीचे बैठना पसंद है, पसंद तो हमसे पूछिए इतने पसंद है जिसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, हम क्यों पढ़ें। तो एक तो ये फैक्टर है कि भाई एग्जाम में आएगा, लेकिन एग्जाम में आने के अलावा क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में काम नहीं करते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ने का एक और कारण है। इससे हमें पता चलता है कि हम किन रास्तों से, अतीत के किन रास्तों से होते हुए यहां तक पहुंचे हैं, रास्ते में किन किन प्रकार की समस्याओं का हमने सामना किया है, और किन परिस्थितियों से निकल के हम यहां तक पहुंचे हैं, रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलातों को हमने देखा है, किससे हम जीते हैं किससे हम हारे हैं, अतीत में हमने क्या गलतियां की हैं, अतीत में हमने क्या हासिल किए हैं, ये सब कुछ आप देखेंगे इतिहास में है, और इस लिहाज से इतिहास को पढ़ना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तो कहने सुनने में अच्छा लग रहा है कि हम किन रास्तों से होते हुए यहां तक पहुंचे हैं, इस सिलसिले को जानना इतिहास है, लेकिन समझ में एग्जैक्ट आ नहीं रहा ये है क्या, तो इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। आप सब लोग को पता है कि भारत, ये क्लास रोज होगी, नहीं ये क्लास मतलब हिस्ट्री की हर वीक होगी, ट्यूसडे मेरा दिन है, सब लोगों ने, हमारे जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं उन लोगों ने तय किया है कि मैं ट्यूसडे को आप लोगों को पढ़ाने आऊंगा, और अभी एक दो दिन हम लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि ये पेड बैच है, और ये पेड बैच का एक दो डेमो वीडियो आप इसलिए यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, बाकी ये रोज ही मतलब कि रोज कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और मैं इसमें बहुत ही एवरेज टीचर हूँ, एक से एक टीचर आप देखेंगे कि पढ़ा रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको, आप इसमें देख सकते हैं। तो अब सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि अतीत की यात्रा को जानने का सिलसिला है, लेकिन इसके इसको समझे कैसे, तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इतिहास क्या है। अब देखिए भारत कब आजाद हुआ, तो भारत आजाद हुआ आपका 15 अगस्त 1947, ये वो दिन है जब हिंदुस्तान को आजादी मिली, लेकिन इस दिन के पहले कई सालों से अंग्रेज हिंदुस्तान पर शासन कर रहे थे और हम अंग्रेजों के गुलाम थे। इस दिन बहुत संघर्ष के बाद, बहुत बलिदान के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत मुश्किलात के बाद हमें आजादी मिल गई, लेकिन जब हमें आजादी मिली तो आजादी मिलने के करीब 70-80 साल पहले एक बहुत बड़े, मतलब अंग्रेजों के एक बहुत बड़े जानकार थे, एक बहुत अच्छे फिलोसोफर थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उनकी बातें एकदम मानी जाती थी, सुनी जाती थी, वो इंडिया में आके कई दिन काम किए, उनका नाम था जॉन स्ट्रेची। जॉन स्ट्रेची इंडिया में अंग्रेजों के शासन को मजबूत करने में बहुत काम किए थे, आगे वो रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद जॉन स्ट्रेची साहब लंदन चले गए। लंदन में जाकर के उन्होंने इंडिया के बारे में जो समझा था उस पर एक किताब लिखी इंडिया के नाम से, और ये जो इंडिया किताब है वो लंदन में जो भी उनकी बातें हुई थी, व्याख्या हुआ था, उसका सीरीज है। इस सीरीज में जॉन स्ट्रेची ने कहा, मैं आपके लिए नाम लिख देता हूं, जॉन स्ट्रेची। जॉन स्ट्रेची ने कहा कि हिंदुस्तान कोई एक शब्द जो है वो एक कोई देश नहीं है, जिस तरीके से स्पेन और फ्रांस जितने दूर हैं उससे कहीं ज्यादा हिंदुस्तान में गुजरात
और अरुणाचल प्रदेश दूर है और हरियाणा भी दूर है, तो ये सब जितने राज्य हैं वो सब अलग अलग हैं, हिंदुस्तान कोई देश नहीं है। ये सुविधा के लिए एक नाम क्रिएट किया गया है, और जब तक अंग्रेज है तब तक ही हिंदुस्तान नाम की चीज है, और आजादी के बाद हिंदुस्तान जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। आजादी के बाद हिंदुस्तान टुकड़ों में बट जाएगा, हजारों टुकड़ों में बट जाएगा। जॉन स्ट्रेची ने कहा कि हिंदुस्तान जो है ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आप किसी एक आदमी को गुजरात का ले लीजिए, रात में उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे दीजिए और रात भर में उसको ट्रांसपोर्ट कर दीजिए आप अरुणाचल प्रदेश, जब सुबह सुबह इसकी नींद खुलेगी तो इसको लगेगा कि हम मंगल ग्रह में पहुंच चुके हैं, लगेगा ही नहीं वहां हम लोग हैं, गुजरात में मोदी जी जैसे आदमी मिल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में कुछ और लोग मिल रहे हैं, सब अलग। गुजरात के लोग की भाषा अलग है, अरुणाचल प्रदेश के लोग की भाषा अलग है, बोली अलग है, रहने का तौर तरीका अलग है, खाने पीने का तौर तरीका अलग है, सभ्यता संस्कृति सब अलग है। ये लग थोड़े रह के उसी देश में पता नहीं कहां चले गए, भाषा ही नहीं समझ में आ रहा। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के किसी आदमी को लीजिए, रात में बेहोशी का इंजेक्शन दीजिए और रात भर में ट्रांसपोर्ट कर दीजिए आप इसको केरल के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, जब सुबह सुबह इसकी नींद खुलेगी तो लगेगा अफ्रीका के जंगल में पहुंच चुके हैं। वैसे ही लोग, सब कुछ अलग, अब हिंदुस्तान नाम की चीज ही नहीं है। एक ऐसा देश जहां दो कोने में हिंदुस्तान बदल जाता है, और दो कोना तो छोड़ दीजिए, हर 100 किलोमीटर में देश बदल जाता है, हर 100 किलोमीटर में बोलने का तरीका, रहने का तरीका, बोलचाल, भाषा, परिभाषा सब बदल जाता है, सब चेंज हो जाता है हर 100 किलोमीटर में। और 100 किलोमीटर तो छोड़ दीजिए, जो दो लोग आप एक साथ देखते हैं वो भी कई तरीके से अलग हैं। हो सकता है भाषा के लिहाज से अलग है, हो सकता है किसी मान्यता, धर्म, संस्कृति, भगवान, मेरे फेवरेट भगवान मान लीजिए हनुमान जी हैं, किसी के शंकर भगवान है, हर चीज अलग अलग, इतना डिफरेंस। तो एक मुल्क इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? मुल्क के बारे में पाश्चात्य दार्शनिकों ने कहा है कि मुल्क उसे कहते हैं जहां सब लोग एक तरह के हों, जिन सबका फायदा किसी एक चीज में है। पर हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान में कुछ लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं, कुछ आरक्षण का विरोध करते हैं, ट्रिपल तलाक का कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ लोग ट्रिपल तलाक का विरोध करते हैं, जब 370 हटाया गया कुछ समर्थन किए कुछ विरोध किए। एक ऐसी चीज मिलनी हिंदुस्तान में मुश्किल हो जाती है जिसका समर्थन सब लोग करें, बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो ऐसे में हिंदुस्तान कैसे? इस समय जॉन स्ट्रेची ने भविष्यवाणी किया था कि आजादी के बाद यदि कभी आजादी होती है हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान जो है 15-20 साल रह सकता है, 15-20 साल के बाद हिंदुस्तान नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन आज हम कोई 15-20 साल बाद खड़े नहीं हैं, मुल्क के आजाद हुए सालों हो गए, मुल्क के आजाद हुए 70 साल से ज्यादा साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद हम एक हैं, उसके बावजूद हम एक साथ रहते हैं। हमने दुनिया को दिखाया कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कैसे कैसे किया हमने ये करिश्मा जो हिंदुस्तान ने किया कि हिंदुस्तान आज भी एक है, वो कैसे किया? इसे समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इतिहास। तो हम समझने की कोशिश करते हैं इतिहास। अब तक जो आप इतिहास पढ़ते थे वो तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी थी, अब जो आप इतिहास पढ़ेंगे आप देखेंगे पूरा साइंस की तरह है, आप उसमें देखेंगे सब कुछ एक हिसाब किताब से हो रहा है, सबके पीछे एक कारण है। आपको अब हिस्ट्री में ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, पॉलिटी भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट, मैथ भी मिल जाएगा। इवन अजय राणा सर अभी लाइव थे, सर नमस्कार। अब हिस्ट्री के लिहाज से यदि पढ़ना है तो आप थोड़ा सा मैथ में एंट्री कर रहा हूं सर, क्षमा कीजिएगा। अब जैसे हिस्ट्री में पढ़ना है, आप लोग से पूछा जाएगा पाई क्या है। अब अजय राणा सर को तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, पाई क्या है? पाई मतलब, अब आप बोलेंगे 3.14 22/7 तो दिक्कत हो जाएगी। कोई बच्चा मेरे से आके पूछा कि पाई क्या होता है, मैं बोलूंगा 3.14 तो समझ पाएगा क्या वो? कोई पूछेगा पाई क्या होता है, मैं बोलूंगा 22/7 समझ जाएगा वो? पाई क्या होता है इसको समझने के लिए हम लोग को इतिहास देखना होगा, और आज के क्लास के आखिर में मैं आपको बताऊंगा पाई क्या होता है। पाई क्या है, कैसे इंडियंस ने, ये भारतीय वर्ड है, पाई की खोज भारत में हुई है और हम लोगों ने पाई दिया, पाई का वैल्यू ज्ञात किया। बौद्धायन नाम के एक इंडियन फिलोसोफर रहे हैं, उन्होंने ये किया है, तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो आइए हम समझते हैं हिंदुस्तान कैसे बना और मुल्क क्या है।
आज से बहुत साल पहले हिंदुस्तान जो है आज की तरह नहीं था, यहां कंक्रीट के जंगल नहीं हुआ करते थे, यहां इतने घर मकान नहीं हुआ करते थे, बहुत ज्यादा था पहले, मतलब आज से हजारों साल पहले हिंदुस्तान में नदी, पानी, पेड़ पौधे, जंगल बहुत ज्यादा थे। और ये मान लीजिए हिंदुस्तान है, ये है नहीं, बस मानना है, मान लीजिए ये हिंदुस्तान है। अब पहले, आज से हजारों साल पहले, जब आज जैसा मुल्क नहीं था, इस समय नदी, पहाड़ और जंगल बहुत ज्यादा थे। और ये नदी, पहाड़ और जंगल हिंदुस्तान को कई अलग अलग भागों में बांट देते थे। मान लीजिए एक नदी यहां से होकर इंडिया से ऐसे गुजर गई, अब इंडिया का दो भाग हो गया, एक अपर पार्ट, एक दूसरा पार्ट, बीच से एक नदी जा रही है। पहले इतना साधन नहीं था कि नदी को हम क्रॉस कर ले बहुत आसानी से, तो एक तरह से ये एक लैंड टेरिटरी बन गया, एक अलग इलाका बन गया। अब मान लीजिए एक जंगल का सीरीज है जो इस तरह से कुछ गुजरा, इस तरह से नक्शे पे अलग अलग मुल्क बनते चले गए। जैसे आज जैसे मेट्रो स्टेशन है, द्वारका कोई अलग देश हो गया, उत्तर नगर कोई अलग देश, उत्तर नगर ईस्ट अलग देश, वहां का राजा अलग, उत्तर नगर वेस्ट का राजा अलग, कुछ वैसा सीन हो गया। ये सब जितने अलग अलग आपको दिख रहे हैं, एक यहां से ऐसे मान लीजिए और कोई पहाड़ गुजर रहा है, एक पहाड़ ऐसे गुजर रहा है, ये सब अलग अलग मुल्क जैसे हो गए। अब अलग अलग मुल्क हैं, ये नदी और जंगल से बटा हुआ है, मतलब यहां के लोगों के लिए यही इनका देश है। अब ये एक अलग मुल्क है, एक अलग प्रांत है जिसे प्रकृति, नेचर अलग अलग कर रही है। तो जब नेचर इसे, हम अलग थोड़े कर रहे हैं, हम थोड़े पहाड़ बना सकते हैं, नेचर ने इसे अलग किया। अब नेचर ने इसे एक अलग प्रांत बना दिया, तो अब जैसे ही एक अलग प्रांत बन गया, तो यहां का एक राजा भी अलग हो गया। अब यहां का राजा जब भाषण देगा, तो जनता को बताएगा यही तुम्हारी मिट्टी है, यही तुम्हारा देश है, यही हवा जो है हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, इनको लगता था यही इनका देश है, और बगल वाले पाकिस्तानी हमारो इनको, इनको लगता था बगल वाले चाइनीज हमारो इनको, सब लोग एक दूसरे से अलग होते थे। तो नेचर ने हमें अलग अलग भागों में बांटा, और अलग अलग राजा भी आ गए, और अलग अलग लोगों की भावनाएं भी जुड़नी शुरू हो गई, जिस कारण यहां के लोगों का विचार कुछ अलग होना शुरू हुआ। यहां के लोग अलग भगवान को मानने लगे, यहां के लोग की भाषा थोड़ी अलग हो गई, यहां के लोग का बोलने का तरीका, रहने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, बात व्यवहार, सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस आना शुरू हो गया। आप इंडिया में देखिए, मथुरा से थोड़ी दूर है पलवल, आप दिल्ली से यदि मथुरा जाएंगे तो आपको पलवल मिलेगा, पलवल हरियाणा का है, वहां की भाषा बिल्कुल अलग। पलवल से थोड़ा आगे चले जाइए मथुरा मिलेगा, पूरा भाषा अलग, कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण हो गया, सब चीज चेंज हो गया, कहीं कुछ और चल रहा है, कहीं दूध चल रहा है, सब चेंज। तो इसी तरह से ये एक अलग देश के रूप में विकसित हुआ, ये एक अलग देश हो गया, ये एक अलग देश हो गया, ये एक अलग देश हो गया, जितने भी देश हैं सब अलग अलग देश बनने शुरू हो गए। तो हिंदुस्तान के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है डाइवर्सिटी, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, विविधता। अब नेचर के कारण हम डाइवर्स हो रहे हैं, अपने कारण, नेचर हमें अलग कर रही है, हम खुद अलग हो रहे हैं, क्योंकि नेचर भारत को अलग अलग भागों में बांट रहा है, जिस वजह से हमारे अंदर डिफ्रेंसिएशन आ रहा है, डाइवर्सिटी आ रहा है। तो ये नेचर का कृपा है, और नेचर के कारण हम सब लोग डाइवर्स हो गए, विविधता वाले लोग हो गए, हम सबके यहां डिफ्रेंसिएशन हो गया, और नेचर के कारण हम सब लोग की बोलचाल, भाषा, इनमें कुछ परिवर्तन आ गए, कुछ डिफरेंसिएशन आ गए, सब अलग अलग हो गए, सब डिफरेंस डिफरेंस हो गए, सब अलग अलग हो गए। अब जिस समय नेचर ने हमें अलग किया, उसी समय नेचर ने हमें एक श्राप दिया, अलग तो हो लेकिन अलग रह नहीं पाओगे, अलग होगे तो बर्बाद हो जाओगे। नेचर ने हमें अलग किया है, लेकिन नेचर ने ही श्राप दिया कि अलग होगे तो बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, जब तक एक हो तब तक साथ हो। नेचर के कृपा से क्या हुआ, यहां प्रोडक्शन शुरू हुआ आयरन का, हर जगह प्रोडक्शन आयरन का होता है क्या, जहां खुदाई करना शुरू करेंगे आयरन मिल जाएगा आपको, हर जगह नहीं होता है। नेचर के कारण यहां आयरन का प्रोडक्शन शुरू हुआ, नेचर के कारण यहां चावल की खेती शुरू हो गई, नेचर के कारण यहां गेहूं की खेती शुरू हो गई, और नेचर के कारण मान लीजिए यहां कॉटन की खेती शुरू हो गई। अब जो आयरन का प्रोडक्शन करता है, क्या वो आयरन को काट के फ्राई करके चम्मच से खाना शुरू कर देगा, वो तो खाएगा नहीं।
अब जो नेचर के कारण जहां आयरन का प्रोडक्शन होता है उसे चावल चाहिए, है उसके पास आयरन, लेकिन दोनों क्या है, दुश्मन। ये क्या बोलेगा जाके, अरे यार भाई तुम दोस्त हो यार भाई, थोड़ा सा प्लीज भाई प्लीज थोड़ा चावल दे दो, बदले में थोड़ा सा आयरन ले लो। अब इसको भी तो खेती के लिए आयरन चाहिए, ये बोलेगा ओके भाई दंड तुम दोस्त हो। दुश्मन अलग जगह पे है पर दोस्ती भी रहना जरूरी है। जैसे भारत में एक राज्य है झारखंड, वहां गेहूं चावल की खेती कम होती है, लोग करते हैं पर खेती जो है कम होती है। अब झारखंड यदि कभी सोचने लगे, मान लीजिए कि हमको हिंदुस्तान से अलग होना है, तो दिक्कत हो जाएगी खाने पीने की। तो हम सब लोग भले अलग हैं पर एक दूसरे से जुड़े हैं। अच्छा मान लीजिए जो कॉटन का प्रोडक्शन करता है, कॉटन को फ्राई करके गर्म करके खा लेगा, इसकी मजबूरी है कि गेहूं वाले से भी दोस्ती बना रहे। ये जाके बोला यार भाई भाई थोड़ा सा प्लीज भाई थोड़ा सा ये गेहूं दे दो यार प्लीज भाई, ये बोलेगा ओके भाई डन। भले दुश्मन है पर साथ रहना मजबूरी है। लड़ाइयां चलेगी, लड़ाई हमारे यहां नेचुरल है, होगी, पर साथ भी रहेंगे हम लोग। और यही से एक टर्म आ गया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और विविधता में एकता। ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के पहचान है। आप कहीं भी जाके ये तीन वर्ड कहिए, सबसे पहली छवि किसी मुल्क की बनेगी तो हिंदुस्तान की बनेगी। और ऐसा हम क्यों कर पाते हैं, नेचर की वजह से। कुछ भी अपने आप नहीं होता है, नेचर के चाहने की वजह से ऐसा होता है, हिंदुस्तान बन गया। अब एक दो एग्जाम्पल और देख के समझते हैं कि आप इतिहास में क्यों पढ़े, इतिहास क्या है और इतिहास को कैसे समझें। अब तक जो आप हिस्ट्री पढ़ते थे वो वैसा नहीं था जैसा आप पढ़ते थे। वो अब तक आप कुछ घटनाएं, कुछ तारीख, यही नहीं है इतिहास। इतिहास इससे बहुत अलग है, हम उनको देखते हैं। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, वो एक एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल विवेकानंद ने दिया है। मैंने नहीं दिया है, विवेकानंद ने दिया है। जब मैं विवेकानंद को पढ़ रहा था तो वहां से हमको मिला था। तो आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो विवेकानंद से पूछिएगा, मेरे से मत पूछिएगा। आप विवेकानंद से कैसे पूछेंगे, आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे विवेकानंद हैं, सर्च कीजिए विवेकानंद, बहुत सारे लोग तो लाइव मिल जाएंगे, बहुत सारे विवेकानंद आपको, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। विवेकानंद कहते हैं भारत में दो धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से दो धर्म महत्वपूर्ण है, हिंदू और मुस्लिम। चूंकि जनसंख्या के लिहाज से आप देखेंगे भारत में दो धर्म महत्वपूर्ण है। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू किसकी पूजा करते हैं, तो कोई एक भगवान तो है नहीं जिसकी हम पूजा करते हैं, 1033 कोटि के भगवान हैं। और भगवान भी ऐसे हैं जो कभी कभी चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन आ जाता है। जैसे आज से 3-4 साल 5 साल पहले लक्ष्मी जी के हाथ में 1000 रुपए का नोट होता था, फिर नोटबंदी हुआ, अब लक्ष्मी जी के हाथ में आप देखेंगे 2000 का नोट आ गया। तो चेंज होता रहता है, भगवान में भी चेंज होता रहता है। हमारे यहाँ कोई नए भगवान आ जाते हैं, कभी कोई भगवान फेमस हो जाते हैं, कभी कोई भगवान जो है उतने फेमस पद से थोड़ा सा कम जाते हैं। ब्रह्मा जी के साथ देख सकते हैं, इंद्र भगवान के साथ देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ भगवान में भी चेंज होता रहता है। तो चूंकि मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं और इतिहास में मतलब हिस्ट्री का थोड़ा सा लुक भी होना चाहिए, आप लोग वीडियो एडिटर भी देखते हैं, कई सारे हिस्टोरिकल एपिक व्यू होते हैं, तो उस टाइप से जो भगवान हमारे हैं, मान लीजिए सूरज है, चलेगा, हम लोग सूरज की पूजा करते हैं, चलेगा भाई जल्दी बताइए, चलेगा, हम लोग सूरज की पूजा करते हैं, मतलब बहुत पहले से करते आ रहे हैं, चलेगा। गायत्री मंत्र आप देखेंगे सूरज को समर्पित, बहुत सारा जो आप वेद वेद में देखेंगे, हाँ वेरी गुड वेल डन आदित्य, सूरज चलेगा, ओके डन, हमारे यहां सूरज, ठीक। अब इस मुस्लिम जैसे हमारे यहां सूरज है, अब मुस्लिम किसकी पूजा करते हैं, तो मुस्लिम जो है अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा नहीं करते हैं, अल्लाह के सामने किसी के साथ किसी के अल्लाह के अलावा किसी के पास सामने सर नहीं झुकना चाहिए। तो एक प्रतीक की बात हम कर लेते हैं, यदि हमारे लिए सूरज बड़ा इंपॉर्टेंट प्रतीक है, सिंबल है, तो चांद इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रतीक है। अच्छा अब एक बात बताइए, अब शास्त्रों में क्या कहा गया है, एक हिंदू को एक दिन में मिनिमम कितने बार नहाना चाहिए, ऐसा क्या कहा गया है, एक हिंदू को एक दिन में मिनिमम कितने बार नहाना चाहिए, जल्दी बताइए, सब्बीर आलम, मिस्टर जयसवाल, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एक हिंदू को एक दिन में मिनिमम कितने बार नहाना चाहिए, ऐसा क्या कहा गया है। तो आप देखेंगे कि कई लोग अलग अलग बात बताएंगे,
एक बार, मिस्टर जायसवाल, मतलब ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि एक ही बार नहाओ, लेकिन जो आदर्श है हिंदू धर्म के लिए वो है एक दिन में 7 बार नहाना चाहिए। अब अलग बात है कुछ लोग ऐसे हैं जो 7 दिन में एक बार नहाते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है एक दिन में 7 बार नहाना है। अच्छा, यहां नहाने की जगह क्या है? वजू करना है, और वजू बहुत जरूरी है। एक हिंदू जब मरता है तो क्या करता है? वजू मतलब ऐसे चेहरा, ऐसे चेहरा वगैरह पूजा कर इबादत से पहले। आप बताइए, एक हिंदू जब मरता है तो क्या करते हैं? उसके डेड बॉडी को हम लोग जला देते हैं। एक मुस्लिम जब मरता है तो क्या करते हैं? जल्दी बताइए, दफना देते हैं, दफना देते हैं। हैंडराइटिंग थोड़ी मेरी खराब है, आप लोगों के लिए थोड़ा और सुधार लाऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे याद मत दिलाइए। अब जल्दी से बताइए, बर्नट, इसे यहां पर आप दफना देते हैं। अच्छा, पहले, बहुत पहले अतीत में हिंदुओं के यहां इंडिया में घूंघट प्रथा था या नहीं था? घूंघट रखने का सिस्टम, घूंघट प्रथा इंडिया में था नहीं था? घूंघट प्रथा, जल्दी बताइए, घूंघट प्रथा इंडिया में था नहीं? वेल सिस्टम, वेल, घूंघट प्रथा, हमारे यहां कभी भी वेल प्रथा, घूंघट प्रथा नहीं था। आप देख सकते हैं कि आप लोग रामायण वामायण तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कभी देखे हैं सीता जी जो है जंगल में जा रही है तो राम जी के पीछे जो घूंघट लेकर के जा रही हैं? कभी नहीं देखे हैं। कृष्ण भगवान से मिलने राधा जी गई है, घूंघट लेके गई है, कभी देखा है आपने? तो हमारे यहां घूंघट सिस्टम नहीं था पहले से, यहां घूंघट प्रथा तब भी था और अब भी है, तब भी था और अब भी है। अब बताइए ऐसा क्यों है? आप यदि देखेंगे तो दोनों धर्म आपको बिल्कुल अलग अलग लगेगा, लगेगा ये एकदम अलग है। यहां सूरज, यहां चांद, यहां 7 बार, यहां वजू, यहां जलाना है, यहां दफनाना है, यहां घूंघट रहेगा, यहां नहीं रहेगा। आप देखेंगे सब कुछ अलग, दुश्मन जैसे दिख रहे हैं, सब डिफरेंस डिफरेंस। ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए इतिहास पढ़ना होगा। देखिए कैसे हिंदू धर्म का विकास कहां हुआ? इंडिया में। आप कहेंगे, आप यदि ये बात कहते हैं कि ये लोग तो सर मिडिल ईस्ट से आए, मिडिल सेंट्रल एशिया से आए हैं, तो ठीक है, सही बात है, लेकिन जो रियल में हिंदू धर्म बना वो हिंदुस्तान में आने के बाद ही बन सका। तो हिंदू धर्म का विकास कहां हुआ? इंडिया में हुआ। इसी तरह से इस्लाम का विकास कहां हुआ? अरब में हुआ, अरब में हुआ। अब ये हिंदुस्तान में विकसित हुए हैं और इस धर्म की रूपरेखा तय की गई है कहां? अरब में तय की गई है। तो यहां इस कारण दोनों पर कुछ फर्क पड़ सकता है। नमस्कार सुजीत सर, लेट देखा, सॉरी उसके लिए। तो हिंदू धर्म एक इंडिया में है, यहां इंडिया में बन रहा है, जबकि इस्लाम बन रहा है अरब में। और आप जानते हैं अरब में बहुत गर्मी गर्मी है, एक प्रकार का रेगिस्तान है, एक प्रकार का एकदम सूखा रेगिस्तान, हॉट डेजर्ट। और रेगिस्तान में जब भी आप रहेंगे तो सूरज दिन में आपको बहुत परेशान करेगा, दिन में धूल की आंधियां चलेगी, आपका कंठ सूखना शुरू होगा, आपको कुछ समझ क्या हो रहा है, आप परेशान रहे, कुछ समझ में नहीं है क्या चल रहा है, ये पूरे दिन परेशान। आप देखेंगे धूल की तेज आंधियां जब मन तब चल पड़ेगी और पूरा दिन प्यास से आपकी हालत खराब होगी। और उस समय तो पानी मिलना भी, बोतल वाला तो, बोतल वाला तो पानी रहता नहीं था, तो पानी भी मतलब भाग्य पे निर्भर करता था। तो पूरा दिन जो अरब के लोग हैं वो सूरज से परेशान रहते थे, और रात को जब वहां चांद निकलता था उनको सुकून मिलता था, उनको लगता था कुछ अच्छा। डीके चौधरी सर नमस्कार, कैसे हैं सर? अब जब पूरे दिन ये जो है सूखे में रहते थे और दिन के बाद जब शाम में चांद निकलता था इनको अच्छा अच्छा लगता था, सुकून मिलता था, ठंडी हवाएं चलती थी, इनका प्यास बुझता था। आपको पता होगा डेजर्ट में जो रात है वो ठंड जैसा होता है, और एकदम इनको अच्छा लगता था। अब आप बताइए डेजर्ट का आदमी सूरज की पूजा करेगा क्या? डेजर्ट का आदमी तो यही बोलेगा सूरज भाई तुम जल्दी जाओ और चांद जल्दी आओ। उनके लिए चांद और सितारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे इस्लामिक चिन्ह में बहुतायत से चांद और सितारे का इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी भी देश में, जो इस्लामिक देश है, देखिए वहां चांद सितारा बहुत वैल्यूएबल है, और यहां चांद और सूरज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडिया में हम लोग शुरू से क्या है? हम लोग अभी बताते हैं हिंदू धर्म है या संस्कृति, दोनों है, अलग अलग विचार है, मिस्टर जायसवाल बातें करेंगे इस पर भी। आप देखिए हिंदू धर्म जो है, हम जब इंडिया में शुरुआत कर रहे थे तो एग्रीकल्चर हमारा मुख्य पेशा रहा है। एग्रीकल्चर वैदिक काल से ही आप देखेंगे एग्रीकल्चर हमारा मेन काम रहा है, मुख्य मकसद रहा है।
अब एग्रीकल्चर चांद के रोशनी से काम चल जाएगा? रोशनी चाहिए। आप एग्रीकल्चर का दिनचर्या शेड्यूल देखिए, सूरज निकलने से पहले से, सूरज निकलने के बाद, सूरज निकलने के 4 घंटे बाद ये काम हो जाना चाहिए। उनके लिए सूरज घड़ी है और पूरी तरह से बारिश भी देखिए तो सूरज से निर्भरता कहीं ना कहीं है, तो उनके लिए सूरज, इंडिया के लिए सूरज बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जो है ऐसा नहीं चांद इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया में देखिए करवा चौथ और बहुत सारे जो पूजा है वो चांद पे ही डिपेंड है, हमारे लिए चांद भी इंपॉर्टेंट है, पर उसके पीछे भी एक वजह है। हम लोगों को दिन भर क्या करना है, खेती। अब खेती वेती हो गया, शाम का टाइम है, अब बढ़िया, अब हम लोग फ्री हैं। उस समय मोबाइल तो था नहीं कि फेसबुक चला लें फ्री होके, व्हाट्सएप चला लें। अब खाना वाना खा लिए, पेट पेट भर गया, सोना है। छत पे सोते थे या खुले में सोते थे गर्मी के टाइम, अब छत पे जाते थे सोना होता था, सोने का टाइम था, हल्की नींद आ रही थी और इस समय प्रेमिका याद आती है और सामने दिखता था चांद। चांद में प्रेमिका को ढूंढते थे और कविता लिखते थे, तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी आग है और चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। मतलब चांद इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चांद, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर इनके लिए, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सूरज का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि पेट भरता है। हम जो है एग्रीकल्चर हमारा इंपॉर्टेंस है। अब दूसरा देखिए, इंडिया में नदियां कम थी या ज्यादा? हाँ हाँ आदित्य, हम भी आउटसाइडर हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, सब देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब से ये जो बैच चल रहा है, इतिहास के जितने सवाल आपके दिमाग में हैं सब भूल जाइए, जुड़े रहिए हम लोगों से 4:30 से 6:30, और मैं भी आऊंगा उसमें, और संडे वनडे में भी मैं आ जाऊंगा। अभी अभी क्लास चलेगी, क्लास खत्म नहीं हो रही है भाई। अब देखिए क्या होता है, हिंदू धर्म में, हाँ सॉरी, अच्छा नदी वाला, वेरी गुड, हमारे यहाँ नदी बहुत ज्यादा थे। अब इतने नदी थे, नहीं नहाएंगे तो कैसे काम चलेगा? 7 बार तो मिनिमम नहाना था। पहले हैंड वाश का कोई सिस्टम नहीं था, जब भी है जरूरत हैंड वाश का, फुल बॉडी वाश कीजिए, और यही चलता था। अब धीरे धीरे हम लोग बिजी होते गए, फेसबुक में, व्हाट्सएप में बहुत सारे काम मिलते गए, मूवी भी देखना है हर फ्राइडे को, मतलब बहुत सारे काम आ गए, तो हम लोग थोड़ा सा अब लूज सिस्टम थोड़ा चलना शुरू हो गया और हम लोग अब उस पर हैंड वाश पे आ गए, और आज तो जानते हैं हम लोग हैंड वाश भी नहीं, अब सैनिटाइजर पे आ गए, तो सिस्टम बदल रही है। यहाँ 7 बार नहाना था, हर बार पूजा से पहले, पूजा के बाद, खाने के पहले, खाने के बाद, बहुत सारे सिस्टम हुआ करते थे, अब ये सिस्टम नहीं रहा। यहाँ अरब में पानी बहुत ज्यादा है क्या? पानी बहुत ज्यादा है, इतना पानी है इसमें 10 बार नहाइएगा, 20 बार नहाइएगा, एक बार वजू कर लीजिए, चेहरा वेरा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, हाथ बात धो लीजिए, काफी है। तो यहां आप देखेंगे वजू इंपॉर्टेंट है और यहां नदी बहुत ज्यादा है, तो आप यहां पे देखेंगे 7 बार तो मिनिमम आपको नहाना है। इंडिया में उस वक्त कोई मरता था तो क्या करते थे? पहले हमारे आस पास यदि कुछ होता था तो जंगल, आप देखते हैं कहीं भी, आप अपने आसपास देखिए, आप आसपास पूछने का मतलब घर मकान, पहले आसपास पूछने का मतलब जंगल। अब कोई मर गया है, अब इसको आसपास में दफनाएंगे नहीं, इसको जंगल साइड में दफनाएंगे, ले जाकर के दूर, थोड़ा नॉर्मल सिविलाइजेशन जहां पे है, सभ्यता से थोड़ा दूर ले जाकर के दफनाएंगे। अब जंगल में ले जाकर के दफनाना है, हम लोग जंगल जाते थे। अब जंगल में दफनाएंगे तो दफनाने के लिए 3-4 पेड़ पहले काटने पड़ेंगे, आसपास जगह भी तो बनाना है। अब 3-4 पेड़ काटेंगे, उसके बाद गड्ढा खोदेंगे, उसके बाद दफनाएंगे, इतने में तो 4-5 दिन हो जाएगा, उतने में तो डेड बॉडी आधी हो जाएगी, अब दफनाने का क्या फायदा? तो ज्यादा अच्छा क्या है, हर तरफ लकड़ियां बिखरी हुई है, लाइए इकट्ठा कीजिए, एक जगह रखिए, आग लगाइए, और सबसे आसान काम है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे। डेजर्ट में कोई मर जाता और उसको जलाना होता तो डेजर्ट में मैक्सिमम बबूल कहीं कहीं मिल जाता है और कैक्टस, इससे तो जला नहीं पाएंगे, तो इनको यदि जलाना होता तो इंडिया से लकड़ी मंगवाने में इनकी इकोनॉमी खत्म हो जाती। इनके लिए ज्यादा आसान क्या है, गड्ढा करो चाहे दफना दो, ये क्या करेंगे, दफनाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसी सिविलाइजेशन और सभ्यता है जो जंगलों में रहती है, सॉरी पहाड़ पे रहती है, एकदम टॉप पे, एकदम पहाड़ के एकदम टॉप पे है, टॉप पे रह रही है। अब जो पहाड़ पे रह रहे हैं उनके यहां कोई मर गया है, वो क्या करेंगे? अब जलाने के लिए पेड़ पौधे लिमिटेड हैं, अब कहां दफनाएंगे, अब इतना टाइम थोड़े, अब थोड़े पत्थर पहाड़ से ठेल देंगे, क्या करेंगे उन लोग, क्या करेंगे, अपने डेड बॉडी को और जो सबसे टॉप पॉइंट है वहां पे जाके रख देंगे ताकि चील कौवे आकर के इनको खा ले। बहावी धर्म में भी ऐसा होता है, तो आप देख सकते हैं ये सब सिस्टम लैंड और लोगों का जहां रहते हैं उनके आदतों पर, उनके संस्कृति पर उनका प्रभाव पड़ता है। अच्छा,
भारत में जो सूरज है, आप देखते हैं भारत में कभी भी वेल सिस्टम नहीं था, घूंघट प्रथा नहीं था। भारत में जो सूरज है वो विटामिन डी देता है, और हम लोग से कहा जाता है कि सूरज की रोशनी में बैठिए। आप देखेंगे जाड़े के समय में, अभी अभी हाल फिलहाल में, अब तो थोड़ा धूप जो है थोड़ा सा हम लोग को परेशान करना शुरू कर दिया है। आज से 10-15 दिन पहले तक देखते हैं आप तो पूरे दिन मूवी हॉल से ज्यादा तो पार्क हाउसफुल चलते हैं, किसी भी पार्क में हाउसफुल, और आप देखेंगे वहां लोग बाग बैठे हुए, क्यों? सूरज से विटामिन डी लेना है। तो हमारे यहां सूरज तो फायदेमंद है, लोग बाग घूमने आते हैं, सन बात करते हैं, हमारे लिए सूरज बड़ा फायदेमंद है। 2-3-4 महीने गर्मी के टाइम में परेशान करता है, बाकी सूरज ओके, वी आर ओके विद दैट, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 2-4 महीना परेशान कर लो, बाकी ठीक है, हम तुम्हारे साथ ओके हैं। अब यहां जो सूरज है वो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, गर्मी का टाइम है, थोड़ा देर सर ऐसे डाउन कर लेंगे, छाता इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। डेजर्ट में जाके आप सूरज को बोलेंगे विटामिन डी दो तो देगा, उल्टा आपके चेहरे को जला देगा, आपके चेहरे पर सनबर्न हो जाएगा, आपके चेहरे पर टैन हो जाएगा, और उस समय सनस्क्रीन तो था नहीं कि सनस्क्रीन लगा लिए, 70 PPF लोरियल का, लैक्मे का आता है और लोटस का आता है, वो लगा लें, ऐसे थोड़े चलेगा, तो सहनाज का भी आता है, तो ऐसे थोड़े काम चलेगा। तो यहां ज्यादा अच्छा रास्ता क्या है, चेहरे को ढक लें, घूंघट कर लें, और केवल महिलाएं ही नहीं पुरुष भी घूंघट करते हैं, आप देखिए वहां के शेख चेहरे को ढके रहेंगे। वेरी गुड अंकित परमार, सब देखेंगे। गर्मी, अब ऐसा थोड़े कि गर्मी से लोग काले हो जाते, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जलवायु, कई सारे चीज हैं, सब देखें, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत सारी चीजों को भी देखना है। तो अब आप देखेंगे यहां जो वेल है वो जरूरी है, तो आप देख सकते हैं कि यहां भी जो फैक्टर डिपेंड कर रहे हैं, इंडिया के लोग ऐसे होंगे, हिंदू ये करेंगे, मुस्लिम ये करेंगे, क्या ये आदमी तय कर रहा है, क्या नेचर तय कर रही है, सब कुछ नेचर के द्वारा तय हो रहा है, हर चीज के पीछे साइंस है, ऐसा कोई कारण नहीं कि ये यूज करते हैं, हर चीज के पीछे आपको हिस्ट्री में साइंस मिलेगा। और आप देखिए अगले एग्जाम्पल को हिस्ट्री का, आप समझ जाएंगे हिस्ट्री कैसे एक साइंस है, और साइंस होने के नाते हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, आप इस एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से इन चीजों को समझने वाले। अब देखिए अगला 5 मिनट बहुत ध्यान से देखिए, और साइंस का कुछ चमत्कार सा होने वाला है अगले 5 मिनट में। ये आप मान लीजिए इंडिया है, आपको बोर्ड की क्लियरिटी यदि अच्छी नहीं लग रही हो मेरे मिटाने के बाद तो एक बार बता दीजिएगा, मैं मिटवा लूंगा किसी से, क्योंकि थोड़ा हाथ पे इस समय एक्सीडेंट हो गया था ना, हर जगह दर्द है, अब क्या बताएं करना, चलिए तो बता दीजिएगा एक बार। मान लीजिए ये इंडिया है न, है नहीं है इंडिया, बस मानना है इंडिया, बहुत बड़ा देश है, बोर्ड पे कहां बना पाऊंगा, मेरी हैंडराइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं, मान लीजिए ये इंडिया है, मान लीजिए। आप बताइए हिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है, पहला चैप्टर हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे, आज ही पढ़ेंगे हम लोग स्टोन एज, पाषाण काल, ये पहला चैप्टर है आज आपके हिस्ट्री का, फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर। दूसरा चैप्टर कौन सा है, हम लोग यहां के बाद कहां जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वैदिक एज, कृष्ण भगवान का जो काल है, ये सब जो वैदिक एज है ये पढ़ेंगे हम लोग, और आगे का काल है वो। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल या गौतम बुद्ध का काल, महावीर का काल, महाजनपद लिख सकते हैं हम लोग। ये 4 शुरुआती के चैप्टर है। अब आप बताइए हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो स्टोन एज है, पाषाण काल। पाषाण काल के समय लोग बाग कहां रहते थे, इंडिया में कौन सी जगह पे रहते थे, कहां घर था उनका, लोग का कहां रहते थे, कभी सुने बिहार में रहते थे, कभी कभी एक दो लोग नहीं रहते थे, कहां रहते थे वो आप देखेंगे, ज्यादातर इस लोकेशन में रहते थे, स्टोन एज और आगे तक भी थे, लेकिन जो है आप ज्यादातर आप लोकेशन देखेंगे स्टोन एज का, राजस्थान में देखेंगे, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया में देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे, तो ये लोकेशन था स्टोन एज का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और आगे आ गए, और आगे मतलब और पूरब की तरफ आ गए, पूरब की तरफ जो चलते हैं, पूरब की तरफ आ गए, और आपको पता है ये लोग उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुरा तक पहुंच गए और आगे आ गए। वैदिक एज में कृष्ण भगवान जो हैं आपको पता है मथुरा में जन्म हुआ और आगे आ गए, मथुरा में जन्म हुआ आगे, और साथ में इंद्रप्रस्थ दिल्ली, साथ में हस्तिनापुर मेरठ,
और साथ में राम जी जो हैं वो अयोध्या होते हुए श्रीलंका तक पहुंच गए और आगे आ गए। गंगा नदी फेमस हो गई, पहले जहां सिंधु नदी फेमस थी अब गंगा का महत्व बढ़ गया। और आगे जाकर महाजनपद काल की शुरुआत में आप देखे होंगे गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं। गौतम बुद्ध कहां के जन्म? नेपाल लुम्बनी, ज्ञान मिला बिहार में। बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्ञान व्यान पाना है बिहार आते रहिए, तो यहां अब इनको ज्ञान जो है बिहार में मिलेगा। इसके बाद फिर से क्या होता है, महावीर कहां के है? जन्म भी बिहार में हुआ, ज्ञान भी बिहार में, और इधर ये लोग पहुंच गए। और आप लोग देखते होंगे आज तक सेवन सिस्टर जो सात राज्य हैं पूर्वोत्तर के, यहां हम लोग सभ्यता तक पहुंच है, लेकिन अभी यहां और ज्यादा सभ्यता के पहुंच की संभावना है। यहां के इतिहास के बारे में, यहां के भूगोल के बारे में पूरे मुल्क में जागरूक होने की और ज्यादा आवश्यकता है। तो आप देखेंगे सभ्यता का बढ़ने का डायरेक्शन कैसे है, सभ्यता किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रही है। तो आप देखेंगे सभ्यता के बढ़ने का डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट, सभ्यता पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रही है, सभ्यता के बढ़ने का डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट। ऐसा क्यों हुआ? सभ्यता के पास आंख पैर थोड़े हैं कि इधर से अपना सेट हो गया बस इधर ही चलता रहेगा, ऐसा ऐसा क्या बात हो गया? ऐसा क्यों नहीं, एक सभ्यता यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसा क्यों नहीं हुआ? एक डायरेक्शन को सभ्यता क्यों फॉलो कर रही है? क्या बात है? जल्दी से बताना शुरू कीजिए, क्या बात है? सोचिए, क्लास देखिए, क्लास में बड़ा अच्छा लगता है, आप सबका हंसता हुआ नूरानी चेहरा सामने रहता है, अब यहां नहीं रहता है तो रिस्पांस देते रहिए, और जब मैं पूछूं बताइए तो बताना शुरू कर दीजिए। हां भाई ठीक है, सब्बीर आलम भाई, सब लोग बिहार के हैं, मनीष सब, मैं भी ओके। हमारे स्टूडियो में कई लोग यूपी के भी हैं। हां बिल्कुल शिवम तिवारी जी, वेरी गुड, हर जगह पहुंचे खोज लेते हो आप मुझे। स्पेस मिला सूरज के वजह से सभ्यता, देखिए वेरी गुड। अब बस, अब इस बारे में कोई कमेंट करना बंद कर दीजिए। अब देखिए हुआ क्या, आप लोग को पता है इंडिया में एक जगह है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इंडिया में एक जगह है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कौन सा जगह है वो? मानसीराम, मानसीराम सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कहां है? मेघालय। यही एक जगह है, भारत की नहीं, भारत की नहीं, पूरे दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और यही एक जगह है जहां पूरे दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कौन सा जगह है वो? चेरापूंजी, यही है, यही है। गारो, खासी और जयंतिया तीन पहाड़ हैं, और ये तीनों एक कीप का स्ट्रक्चर, फिल्डर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मॉनसून को ट्रैप कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, और जिस वजह से इस लोकेशन में दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां पानी बहुत ज्यादा है, वहां के पेड़ पौधे कैसे होंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब वहां के पेड़ पौधे बहुत मजबूत, वहां के पेड़ पौधे बहुत मजबूत, वहां की लकड़ियां, वहां के पेड़ पौधे की लकड़ियां बहुत मजबूत। चेरापूंजी में चले जाइए, असम में चले जाइए, यहां आपको लकड़ी की चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी, और इनके जो लकड़ी होते हैं दिल्ली के कॉन्क्रीट से ज्यादा चलते हैं, तो ये बहुत मजबूत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजबूत है, मजबूती का नाम है, फेविकॉल से ही मजबूत है। जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा, रेनफॉल की मात्रा कम होगी या ज्यादा? जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा, रेनफॉल की क्वांटिटी कम होगी या ज्यादा? कम होनी शुरू हो जाएगी। अरावली हिल है इधर, आप देखेंगे यहां आ गया थार का डेजर्ट, वर्षा क्या हो गई? एकदम कम। यहां दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा और यहां हॉट डेजर्ट है, वर्षा कम होती है, 50 सेंटीमीटर से कम, ये हालत है यहां। मतलब इधर के पेड़ पौधे मजबूत हैं और इधर के पेड़ पौधे कमजोर होते चले जाएंगे, कमजोर होते चले जाएंगे। यहां तो एकदम कमजोर कैक्टस हो गया, एक लात मारिए काम खत्म, पर जूता पहन के लात मारें तो आप फेरा काम खत्म हो जाएगा। तो आप जैसे इधर आएंगे आप देखेंगे पेड़ पौधे की जो मजबूती है वो कम हो रही है। अब इस समय इंसान स्टोन एज के समय किस चीज के हथियार, वेरी गुड, वेस्टर्न घाट में भी होते हैं, आने का भी तो लोकेशन है आदित्य, आने का भी रास्ता है, सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं ना। अब पहले जो है स्टोफे, बाद में देखेंगे, अभी नितिन तोमर हाथ जोड़ के आपको भी प्रणाम है। स्टोन एज के समय हम लोग, पाषाण काल के समय
हम लोग किस चीज के हथियारों का, अस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो हम लोग प्रयोग करते थे पत्थरों का, स्टोन एज, पत्थरों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता जब आई तो हम लोग किस चीज का प्रयोग करते थे? ब्रॉन्ज, कांसा, पत्थर से थोड़ा मजबूत हो गया। वैदिक एज में हम लोग क्या प्रयोग करते थे? लोहा। इस समय हमारे पास आयरन आ गया था, लेकिन इस समय जो आयरन है बहुत रेयर होता था। आयरन मतलब AK-47, केवल संजय दत्त जैसे लोग रख सकते हैं, बड़े बड़े तोप रख सकते हैं, नॉर्मल आदमी नहीं रख सकते। मिर्जापुर में कम दिखता है कट्टा भी। तो अभी ये क्या है, ये जो है आयरन है, ये जो है बहुत रेयर है इस समय। और इस समय आयरन हो गया मिर्जापुर वाला कट्टा जैसा, 1500 रुपया में मिलता है, कालीन भैया बेचते हैं। मतलब अब यहां पर आयरन जो है एकदम नॉर्मल कॉमन हो गया, सबके पास आयरन है, खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं, अस्त्रों में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आदमी के पास स्टोन था, और इसको हम लोग भेज देंगे, जाओ तुम लोग चेरा पूंजी पेड़ काट के रहो, तो रह पाएगा क्या? मजबूत पेड़ पौधे हैं, काट ही नहीं पाएगा बेचारा, परेशान। तो जब तक स्टोन है, नेचर क्या कहेगी? चुपचाप इधर रहो, ज्यादा उधर जाने का मत सोचना, उधर जाना है तो हथियार और मजबूत हथियार लाओ। और अब आदमी के पास क्या आ गया? जैसे ही ब्रॉन्ज, कांसा, और आगे आ जाओ भाई तुम, जैसे ही आदमी के पास आयरन आ गया, थोड़ा और आगे आ जाओ, और सबके हाथ में आयरन है, सब हाथ में लोहा लेके घूम रहे हैं, कट्टा लेके घूम रहे हैं, जहां जाना है जाओ भाई, कौन रोक सकता है तुमको, पूरा मुल्क तुम्हारा है। तो हमारे यहां सभ्यता का जो प्रसार आप देखेंगे, वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट तक आपको दिखेगा। अभी बहुत सारी चीजें हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल यदि आपके पास फुर्सत हो तो और आपसे मैं पूछ लेता हूं। इंडिया के लोग जो हैं भाग्य पे भरोसा करते हैं, दुनिया में नहीं होता है ऐसा, भाग्य पे कम भरोसा करते हैं, इंडिया के लोग भाग्य पे भरोसा करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, आगे पढ़ाऊंगा, बीच में बताऊंगा भी। अब आगे हम लोग बढ़ें, पढ़ना शुरू करें, उससे पहले आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि हम लोगों का जीएस स्पेशल बैच कल से आ चुका है। EduEmerald के वेबसाइट पे जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, वही 600 रुपए के आसपास का है। और आप इस बैच में 90 दिनों में, ऐसे 88 डे है, 2 दिन एक्स्ट्रा मैं अपने लिए ले रहा हूं कि थोड़ा और ज्यादा पढ़ाना हो तो संडे वनडे को आकर के, 90 दिन का जो ये कोर्स है, इसमें आप जीएस का जो भी क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, वनडे से लेकर पीसीएस तक आप सॉल्व कर सकते हैं। और हम इसमें आपको बहुत सारी चीजें, प्रेजेंटेशन, कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे स्टडी मटेरियल्स भी देंगे। तो जल्दी से समय रहते जुड़ जाइए, ये मैं आखिरी बार YouTube पे आ रहा हूँ, फिर बीच बीच में आता रहूंगा, मिलता रहूंगा आपसे। वैसे अब ये जो है आगे से जो कोर्स है वो लाइव और हमारे साइट पे ही चलेगी, हमारे ऐप पे ही चलेगी। प्ले स्टोर से आप EduEmerald, स्पेस मत डालिएगा EDU और Emerald के बीच, आप डाल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे हिस्ट्री, आप लोग लिखना भी शुरू कर सकते हैं हिस्ट्री, इतिहास। किसी भी चीज को सही से समझने के लिए हम उसे कई भागों में बांट देते हैं, हम पार्ट करते हैं, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, आदमी दो भाग में बट गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो लाल कलर का शर्ट पहने हैं, कुछ सफेद कलर का शर्ट पहने हैं, दो तरह के लोग हो गए। अरे जितना भी वनडे एग्जाम है सबका प्रिपरेशन हो जाएगा, गौरव त्रिपाठी। अब देखिए, हम किसी भी चीज को समझने के लिए क्लासिफाई करते हैं, चार पैर वाले जानवर, दो पैर वाले जानवर, अब आदमी हो गए, तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। हिस्ट्री को भी सही से समझने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए, हम लोग हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं। कौन से 3 भाग हैं वो? ये हिस्ट्री है, इतिहास। हम हिस्ट्री को कायदे से समझने के लिए 3 भागों में बांट देते हैं। पीसीएस कवर होगा बिल्कुल, 17 जनवरी को है पीसीएस, कहां का यूपी पीसीएस 17 जनवरी को, अरे पीसीएस तो पूरा होना ही होना है, सुपर टेट भी होना है, जितने वनडे पीसीएस प्री होगा, मेंस के लिए अलग नोटिफिकेशन हमारे तरफ से जारी होगा, आप जुड़े रहिए। अब देखिए, और अब आप सोच रहे हैं कि रोज नहीं आएंगे, रेगुलर नहीं आएंगे, कोर्स चलता है, रेगुलर लाइव रहते हैं लोग उसमें, तो आप लोग भी बस कोर्स पे आ जाइए, ऐप पे आ जाइए, सारा लिंक आप वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख लेंगे। अब हिस्ट्री को सही से समझने के लिए, हमें समझना है हिस्ट्री, हम इसे कई भागों में बांटते हैं।
ऐसे नॉर्मली कई सारे भागों में बांट सकते हैं, लेकिन तीन भागों में मेजर बांटते हैं। पहला है एंशिएंट, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राचीन। एक बार जल्दी से बताइए, आप में से कितने लोग हिंदी में लिखते हैं और आप में से कितने लोग इंग्लिश में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं? कितने लोग हिंदी में और कितने लोग इंग्लिश में लिखते हैं? जल्दी से बताइए, हिंदी वाले कौन कौन से हैं जल्दी से बताइए, और इंग्लिश वाले जल्दी से लिखिए, पता चलता रहे दोनों में। वेरी गुड इंग्लिश। सर देखिए, आप जितने लोग हैं एक बात समझ लीजिए, ऐप इडू इमरल्ड के नाम से है, पूरा दिख रहा है ऐप? हाँ, इडू इमरल्ड जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप जितने लोग हिंदी और इंग्लिश में लिख रहे हैं उनको मैं एक सूचना देना चाहता हूं, ना तो हम हिंदी में लिखते हैं ना हम इंग्लिश में लिखते हैं, वो एक भाषा है, वो बोलने वाली एक भाषा है। मान लीजिए हम लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं और व्हाट्सएप चला रहे हैं तो हम लोग को लिखना है तुम क्या कर रहे हो। मान लीजिए हमने ऐसे लिखा, तुम क्या कर रहे हो। जल्दी से बताइए, हिंदी या इंग्लिश है ये? हिंदी है या इंग्लिश है? इंग्लिश कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हिंदी या इंग्लिश, ये हिंदी है। इसको तुम क्या करो कब से अंग्रेजी हो गया, कौन सा इसमें वर्ब एडवर्ब आ गया, कौन सा नाउन आ गया, ये जो है आपका हिंदी है। हम लोग इसको एबीसीडी फॉर्मेट में लिखे हैं, मतलब लिखा किस में गया है, रोमन में लिखा गया है। हिंदी है लिखे हैं रोमन में। अच्छा मान लीजिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, कभी मूड आ जाए, हाउ आर यू, ये हिंदी इंग्लिश है, ऐसे लिखते तो हिंदी हो गया, ये हिंदी है ये इंग्लिश है, लेकिन क ख ग घ के फॉर्मेट में हमने लिखा है, इसलिए किस चीज में लिखा है, देवनागरी में लिखा है। तो हम लोग या तो रोमन में लिख रहे हैं या देवनागरी में लिख रहे हैं। मान लीजिए हमने ऐसे ऐसे करके लिख दिया, खूबसूरत, हिंदी इंग्लिश, उर्दू है, उर्दू है ये, लिखा है देवनागरी में। तो ध्यान रखिए हम लोग हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, या तो देवनागरी में या रोमन में। तो आइए अब हम लोग हिस्ट्री पर डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। ये एक प्रॉब्लम था जो हर लोग मतलब रिपीट करते हैं। एक बार जल्दी से आइए, थोड़ा सा बोर्ड साफ करना मुश्किल वाला काम है, लेकिन ठीक है, ओके, आपके लिए ये भी सही। हिस्ट्री को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। पहला जो भाग है वो है एंशिएंट, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राचीन इतिहास। अगला पार्ट हम लोग कौन सा भाग करते हैं, अगला जल्दी से बताइए, एंशिएंट ये है, अगला है मेडिवल, मध्यकालीन, और तीसरा पार्ट कौन सा है, मॉडर्न, आधुनिक। एंशिएंट, मेडिवल और अगला मॉडर्न, आधुनिक, ये तीन भाग है जिसमें पूरा का पूरा इतिहास बट जाता है। सबसे पहला, अब आप कहेंगे सर अब आप एक बात बताइए, सबसे पुराना तीनों में से इतिहास आपको कौन सा दिख रहा है? सबसे पुराना इतिहास एंशिएंट, प्राचीन, सबसे पुराना इतिहास है। आप बताइए ये सबसे पुराना इतिहास शुरू कब होता है, कब स्टार्ट होता है, कौन सी तारीख से शुरू होता है, कब से शुरू? अब देखिए तारीख वारीख में हम लोग कमजोर हैं, हम लोग से कोई पूछता है परदादा जी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो बहुत पहले जन्म हुआ था उनका, हम लोग बहुत 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 पहले जन्म में थे, ऐसे बोल देते हैं। तो ये कोई घटना बताइए, प्राचीन हिस्ट्री कब से शुरू हुआ, जब से सूरज बना तब से, चांद बना तब से, डायनासोर आए तब से, कब से? ये 712 5200 लिखा नहीं है। और हाँ, वेरी गुड सब्बीर आलम, वेल डन, बहुत सही। एंशिएंट हिस्ट्री शुरू तब होता है जब कोई कहानी कहने वाला आपके पास आ जाए, नाम ही हिस्ट्री कहानी, जब कोई कहानी कहने वाला आपके पास आ गया, हिस्ट्री स्टार्ट। अब चांद तारा तो चांद चंदा मामा थोड़े कहानी सुनाएंगे, बस कहने कहने की बात है वो, सूरज थोड़े कहानी, डायनासोर आगे कहानी सुनाएगा आपको, इंसान कहानी सुनाएंगे। तो जब से आदमी आया एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हो गया। तो कब से शुरू हुआ, ओरिजिन ऑफ
ह्यूमन, कब से? मानव के उद्भव से, प्राचीन हिस्ट्री स्टार्ट, मानव के, वेरी गुड, होमो सेपियंस देखेंगे अभी। अब चूंकि बहुत अच्छी बात बताई है, शुरुआत में जो इंसान था आज जैसा नहीं था, रीढ़ की हड्डी होती थी लेकिन सीधा नहीं चलता था, चार पैरों पे चलता था, बंदर हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है हम लोग बंदरों के संशोधित संस्करण है, हमारे पूर्वज जो है बंदर हुआ करते थे और हम जो है बंदरों के अपडेटेड वर्जन है, तो इस लिहाज से हमारे में कई सारे परिवर्तन होते चले गए, होमोनीड, होमो इरेक्टस, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस सेपियंस, हमारा नाम आजकल जो नया नाम है, जो रेगुलर नाम है, होमोसेपियंस सेपियंस, ये हमारा ओरिजिनल सबका यही नाम है, कॉमन नाम होमोसेपियंस सेपियंस, किसी को बुलाना है आप उसका नाम नहीं जानते हो, ए होमोसेपियंस सेपियंस इधर आओ तो वो आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा आप जाकर के, मतलब यहां जो है होमोसेपियंस हमारा साइंटिफिक नेम है। तो अभी वो सब बायोलॉजी बहुत अच्छे से आपको सर जो है साजिद सर हमारे पास है और आपको पूरा जीएस स्पेशल पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा उसमें आपको। तो मानव के उद्भव से कब तक, आप लोगों ने खुद पहले से बता दिया था 712 एडी तक। दरअसल 712 एडी में क्या होता है, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण होता है, मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आक्रमण करता है और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ आधुनिक भारत खत्म हो जाता है, सॉरी प्राचीन भारत खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक दिन में इतिहास नहीं बदलता है, इतिहास के बदलने में वक्त लगता है। दरअसल होता क्या है, एंशियंट हिस्ट्री हम उस काल को कहते हैं जब भारत में सामंतवाद कम था, ताकत केंद्रीय शक्ति के पास होती थी, राजा के पास होती थी, जैसे जैसे राजा के अधिकारियों की शक्तियां बढ़ती चली गई और पैसे बढ़ते चले गए, सामंतों का उद्भव होना शुरू हो गया और यहां पर मेडिवल हिस्ट्री आ गया, यहां सामंतवाद बहुत ज्यादा हावी है और मध्यकालीन भारत शुरू हो गया। कब से? 712 एडी से कब तक? 1707 एडी। अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि पलासी के युद्ध तक ये चला 1757 तक, कुछ लोग का कहना है औरंगजेब के मरने के साथ खत्म हो गया, तो आप कभी भी मान सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर, एडी लिख रहा हूं, कहीं बीसी लिखूंगा तो शायद आप लोगों को दिक्कत हो, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, वो सब चीज कवर है, पैकेज में सब कुछ शामिल है, टेंशन नहीं लेना है। साजिद अली सर मस्त पढ़ाते हैं, हाँ बहुत मस्त पढ़ाते हैं और आपको वही पढ़ाएंगे बायोलॉजी। अरे अरुण सर नमस्कार नमस्कार। अब आप देखेंगे यहां जो 1707 में है औरंगजेब की डेथ हो जाती है और औरंगजेब के डेथ के बाद वो परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां बन सक जाती हैं जिससे कि अंग्रेज भारत पर अब शासन कर सकते हैं। अंग्रेज भारत पे व्यापारी के तौर पे आए थे पर शासन करने की अब पूरी व्यवस्था और माहौल उनको मिल गया था। तो यहां पर 1707 तक कई लोग का मानना है कि यहां पर आपका मेडिवल हिस्ट्री चला। अब आधुनिक भारत कब से है? 1707 से कब तक? कल तक की इतिहास तो आज नहीं हो सकता, फिर करंट अफेयर हो जाएगा। कल तक की तारीख दे देता हूं, कॉपी जब पलटिएगा चेंज कर दीजिएगा। कब तक चला मॉडर्न हिस्ट्री, जल्दी बताइए। कई लोगों का कहना है कि ये चला 1947 तक, कुछ लोग का कहना है गांधी जी के डेथ तक चला, जिस दिन गांधी जी की डेथ हुई मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। अलग अलग लोग अलग अलग बात बताते हैं, तो हम कह सकते हैं 1947 तक, कुछ लोग कहते हैं नेहरू जी की जब डेथ हुई 1964 में तब खत्म हुआ। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है, कोई एक तारीख इसमें तय नहीं किया जा सकता है। मैं अब एक्सीडेंट हो गया था आशीष भाई, अब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस प्लास्टर है हाथ और ज्यादा मजबूत हो गया, पहले कमजोर था हाथ। अब 1947 में आप देखेंगे यहां जो हिंदुस्तान आजाद हो गया और अब मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। अब आप कहेंगे सर आप तो बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग को, मॉडर्न हिस्ट्री आप कहें खत्म हो गया 1947 में, मतलब हिस्ट्री खत्म 47 में खत्म, फिर कहेंगे सर गलत बात है, ऐसे मत बनाइए आप सर, ये नहीं बता रहे हैं कि दलाई लामा आप लोग के उम्र में हिंदुस्तान आए थे तब से यही है, क्या मैटर हुआ था, पंचशील क्या है। आप कहेंगे सर वो भी आप बताना भूल गए कि एक बार चाइना इंडिया पे अटैक कर दिया था, इंडिया सुने हार गया था, बहुत बुरा हुआ था।
आप कहेंगे सर आप ये भी नहीं बताएं 1965 में हम लोग पाकिस्तान को मारने लाहौर चले गए थे, ये भी नहीं बताएं। आप कहेंगे सर आप ये भी नहीं बताएं कि एक बार हम लोग पाकिस्तान को अटैक कर दिए थे, मतलब पाकिस्तान अटैक किया था फिर हम भी आ गए थे, और बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था उसको आजाद कर एक अलग मुल्क बना दिया गया। अब हम थे नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ घटना हुआ। आप कहेंगे सर श्रीलंका में लिट्टे विट्टे या कुछ मैटर हो रहा था, राजीव गांधी का मैटर था इससे पहले, सर आप वो भी नहीं बताएं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी पहला भारत अंतरिक्ष यात्रा पे गया था, राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री थे, राकेश शर्मा से इंदिरा गांधी ने कॉल किया बताओ अंतरिक्ष से हिंदुस्तान कैसा लगता है, राकेश शर्मा ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी नहीं बताया आपने। आप कहेंगे सर ये भी आप नहीं बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय लोकतंत्र का कोई काला दिन आया था, आपातकाल लगा दिया गया था, उसी समय बिहार के बहुत सारे लोग हैं क्या नाम है उनका, वो संपूर्ण क्रांति आंदोलन, वो भी नहीं बता रहे हैं। जयप्रकाश नारायण को ये भूल गए, ये सब भी तो इतिहास है, करंट में थोड़े मिलेगा ये सब। बाबरी कश्मीर, कश्मीरी पंडित कोई बता ही नहीं रहे आप लोग, तो कैसे कैसे क्या काम होगा, ये हिस्ट्री कहां गया 47 के बाद। तो ये जो 47 के बाद का इतिहास है इसको हम लोग कंटेम्प्रोरी हिस्ट्री कहते हैं, समकालीन इतिहास। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कंटेम्प्रोरी इंडियन हिस्ट्री, और इस तरह से हम लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। अब हमारी कुछ लिमिटेशन हो जाती है ड्यूरेशन, इसलिए हम लोग नॉर्मली आप देखते हैं यहीं तक पढ़ाया जा सकता है, पर ऑनलाइन कोर्स है एक एक चीज पढ़ाया जाएगा। आप देखेंगे YouTube पे कंटेम्प्रोरी इंडिया का पूरा मैटर आपको मिलेगा और इतिहास में कुछ भी नहीं छूटेगा। आप देखेंगे कुछ लोग आपको ये बताएंगे, कई जगह लिखा हुआ भी है, कई इतिहासकार इस बात को मानते भी हैं कि ये जो प्राचीन इतिहास है एंशियंट हिस्ट्री इसको हम लोग हिंदू काल कहते हैं, हिंदू एज। ये काल कैसा है, हिंदुओं का काल है, यहां हिंदू थे, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। भारत है ये हिंदुस्तान, एक धर्म से कैसे क्या कह दें कि एक धर्म से, ऐसे अच्छी बात थोड़े। इस समय और बहुत सारे धर्म बने, बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, और कई बार ऐसा लगा कि हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। जब बौद्ध धर्म आया तो एक से एक, जब बागी चुप हो जाओ सहमत, जब इस समय हिंदू धर्म आया तो हिंदू धर्म, जब आपका ये बौद्ध धर्म आया तो ऐसा लगा हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। एक से एक राजा जो हैं वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो रहे थे, अशोक बौद्ध हो गया, गुप्त साम्राज्य के बहुत सारे शासक बौद्ध हो गए, हर्षवर्धन तक बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो अब कैसे, मतलब अब क्या कहते हैं कि अब केवल हिंदू धर्म नहीं ना कह सकते कि हिंदू काल है, अलग अलग और बहुत सारे लोग इस समय थे। अच्छा, इस समय मध्यकालीन भारत में कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है मुस्लिम काल है, और ये इंडिया का ऐसा काल है जिसमें केवल मुसलमान थे। तो आप में से कई लोग राजस्थान के हैं, कई लोग राजस्थान के होंगे आप लोग, और जो भी लोग राजस्थान के हैं आपका पहला फेवरेट हीरो कौन है, फर्स्ट हीरो पहले, अरे हीरो तो बहुत सारे हैं, मतलब वर्ल्ड फेमस कौन है, पृथ्वीराज चौहान, वेरी गुड। दिल्ली में उनका एक किला भी है, और किला राय पिथौरा नाम है जिसका, साकेत मेट्रो स्टेशन के पास है, एक दिन हम लोग चल के यहां भी पढ़ेंगे पूरा हिस्ट्री इनका, पृथ्वीराज चौहान साहब का। आगे आपके कौन हीरो हैं, शाहिद कपूर, अरे वो राणा रतन रावल। आगे आप देखेंगे राणा सांगा, राणा कुंभा, आप आगे देखेंगे महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, तेज प्रताप सिंह, आप देखेंगे जय सिंह, मान सिंह, आप देखेंगे इसी समय के सिखों के 10 गुरु, उधर मराठा शिवाजी, सब इसी समय थे। तो मुस्लिम काल यदि कहेंगे आप तो महाराणा प्रताप भाला लेकर के आ जाएंगे और सीना में भोग देंगे, तो बच के रहिए, ऐसे नहीं कहते हैं, ये सब गलत बात है ना। ये हिंदू काल था, आदमी हिंदू मुसलमान होता है ना, हिस्ट्री थोड़े हिंदू मुसलमान हो गया, और ना ये मुस्लिम काल है, वो आदमी के धर्म होते हैं, इतिहास से इनको मत जोड़िए, अलग रखिए। इस काल को क्या कहेंगे हम लोग, जल्दी से बताइए, ब्रिटिश काल या यूरोपियन काल, क्या कहेंगे जल्दी से बताइए, इस काल को क्या कहेंगे, यूरोपियन काल, यूरोपियन काल। और इस काल को हम लोग यूरोपियन काल क्यों कहेंगे जल्दी से बताइए, क्योंकि इस समय अकेले अंग्रेज भारत में नहीं आते हैं, भारत मतलब
एक फेमस नाम, भारत मतलब लोग सोचते हैं काश भारत जा सके, पैसा कमा सके, तो अकेले अंग्रेज नहीं आते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उनके बाद आपको पता है कौन आते हैं, कौन जल्दी से बताइए, पुर्तगालियों के बाद डच, उसके बाद ब्रिटेन के लोग आते हैं, उसके बाद डेनिश डेनमार्क के लोग आते हैं, और सबसे आखिरी में फ्रांस के लोग आते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान में पुर्तगाल के लोग आते हैं और सबसे आखिर में पुर्तगाल के लोग जो हैं हिंदुस्तान को छोड़ के जाते हैं। ये लोग गोवा में अपना मस्त रहते थे, लेकिन बाद में 1961 में इनको गोवा छोड़ना पड़ा। तो ये एक फ्रेमवर्क है इतिहास का, जिससे कि आप देखेंगे कि इतिहास को कैसे पढ़ना है और इतिहास में क्या है। अब हम लोग बेसिक से शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, आज एक दो दिन में हाथ और ठीक हो जाएगा तो हैंडराइटिंग और अच्छी आएगी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, हटा रहा हूं। आप दो टर्म को अब बार बार सुनेंगे और आज हम लोग को जो हम लाइव हैं वो इसलिए हैं कि इतिहास के बुनियाद को बेहतरीन तरीके से समझ सकें और इतिहास के बुनियाद में अभी के बाद कभी कोई समस्या ना रहे और इस बुनियाद पर हम एक ऐतिहासिक प्राचीर बना सकें। तो आपके लिए बैच बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और अब देखेंगे आप यहां पर दो वर्ड आप हिस्ट्री में बार बार सुनेंगे, एक है बीसी और एक है एडी। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का होता है एनो डोमिनी। होता क्या है कि हम लोग सब लोग जो हैं एक कैलेंडर अपनाते हैं, कैलेंडर को मानते हैं। जैसे अब हर आदमी का अपना अलग अलग कैलेंडर होता है। जैसे हम लोग की माँ कभी कभी कहती है कि तुम्हारे जन्म के 4-5 साल पहले हमारा शादी हुआ था, तुम्हारे जन्म के 4 साल बाद तुम्हारा छोटा वाला भाई हुआ था, तुम्हारे जन्म के 10 साल बाद पिताजी का ट्रांसफर यहां हुआ था, जन्म के 15 साल बाद पिताजी ये वाला प्रॉपर्टी खरीदे थे। मतलब हमारी माँ के लिए कैलेंडर हम लोग हैं। पर अब हम लोग तो हम भी लोग हैं ना, हमें एक महान आदमी चाहिए जिसको दुनिया पहचान सके। तो अब हमारी माँ के नजर में हम ही शाहरुख खान हैं, लेकिन अब हमारी नजर में भी है। तो अब यहां पर अब क्या है कि हम एक ऐसे आदमी को लेते हैं जिसको हम सब लोग जो हैं ध्यान दे सके, और नाम है ईसा मसीह। हम जिस कैलेंडर को ग्रेगरियन कैलेंडर को अपनाते हैं उसके जो बुनियाद है वो ईसा मसीह है। ये 0 AD BC है और ये वो दिन है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म के पहले के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के टाइम को एडी, एनो डोमिनी। चैलेंज है आप लोगों के लिए, जल्दी से बताइए इश्क मसीह, नहीं विमल कुमार, इश्क मसीह, ईसा मसीह, वेरी गुड। जल्दी से आप सब बताइए कि एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी स्टैंड मतलब क्या है? अरे अरुण सर आप जल्दी से बताइए, अरुण सर कहां है अभी, जल्दी से बताइए अब आप लोग कि एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है। एनो डोमिनी का मतलब होता है डेज ऑफ आवर गॉड। हम वेरी गुड नितिन तोमर, गजब, बहुत बढ़िया, वेल डन। डेज ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे ईश्वर का दिन, अब हमारा भगवान हमारे साथ है, और ये टाइम हो गया एडी और ये ईसा मसीह के पहले बीसी। यदि हम कहते हैं बीसी मतलब इस टाइम फ्रेम में बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म मान लीजिए कहते हैं 583 BC में हुआ, 500 मान लीजिए हम लोग ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ, मान लीजिए 563 BC में हुआ, मान लीजिए हम ये बात कहें। अब जैसे हम ये बात कहें मतलब गौतम बुद्ध ईसा मसीह से छोटे हैं बड़े हैं, पहले जन्म हुआ है इनका, टाइम फ्रेम ऐसे बढ़ेगा, मतलब ये ईसा मसीह से 563 साल सीनियर हैं, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा मान लीजिए किसी आदमी का जन्म हुआ 2020 AD में, शायद आपको 2020 ना दिख रहा हो, चलिए कोई बात नहीं यहां लिख रहा हूं, किसी का जन्म हुआ मान लीजिए 2020 AD में,
इसका मतलब ये आदमी जो 2020 एडी में जिसका जन्म हुआ है वो ईसा मसीह से बड़ा है छोटा है? छोटा। कितने साल? 2020 साल छोटा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। 2020 एडी में, मतलब ये 2020 साल छोटा है। और इसी तरह से अब मान लीजिए 563 बीसी में ईसा मसीह का जन्म हुआ, सॉरी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, अगला साल कौन सा दिन है? अब अगला साल, नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा? जैसे अगला साल यहां 2021 आएगा, यहां अगला साल कौन सा आएगा? 562। और इसी तरह से चलते हुए 0 तक पहुंचेंगे, और इसी तरह से बढ़ते हुए हम लोग 2021 तक पढ़ेंगे। मान लीजिए एक आदमी का जन्म 10 एडी में हुआ है, एक का जन्म 20 एडी में हुआ है। आप बताइए दोनों में से कौन बड़ा है, 10 एडी वाला 20 एडी वाला? वेरी गुड, वेल डन। अरे आप लोग बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग। एक का जन्म 10 एडी में हुआ है और दूसरे का जन्म 20 एडी में हुआ है, आप बताइए कौन बड़ा है? 10 एडी वाला बड़ा है। वेल डन, वेरी गुड। पूरा आपको मैप की समझ है। एक व्यक्ति का जन्म 20 बीसी में हुआ है और एक का जन्म 10 बीसी में हुआ है, आप बताइए दोनों में से कौन बड़ा है, 20 बीसी वाला 10 बीसी वाला? जल्दी से बताइए। 20 बीसी वाला यहां बड़ा है, ये ज्यादा बड़ा है। तो ये मैप की एक समझ है जो पूरे हिस्ट्री में काम आने वाली है। इस मैप में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ये ऑनलाइन बैच है। वेरी गुड, वेल डन। आप सब लोगों को पता है ये ऑनलाइन बैच है, इसमें कहीं किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारा वेबसाइट पे नंबर दिया गया है, मैसेज डाल दीजिए, कॉल कर दीजिए, हमारी नज़र हर जगह होती है, कहीं ना कहीं नज़र पड़ जाएगी। और आप फेसबुक पेज से ढूंढ सकते हैं हमें। अब हम लोग हिस्ट्री का एक पार्ट खत्म कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग बुनियाद में ही है, इंट्रोडक्शन में ही है, और इसके आगे हम लोग कुछ पढ़े। उससे पहले हम लोग दो शब्द को देखेंगे, उन दो शब्दों के मतलब को देखेंगे, और आप देखेंगे हम बार बार उसे सुनने वाले हैं, और उन दो शब्दों को हम लोग बार बार देखने वाले हैं। एक शब्द कौन सा है? सभ्यता, और दूसरा संस्कृति। सभ्यता का इंग्लिश क्या है? सिविलाइजेशन। और संस्कृति का? कल्चर। बचपन से इन दो वर्ड को हम लोग सुनते आ रहे हैं। अक्षत, बोर्ड क्लियर नहीं हो पा रहा है, आज आज भर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। कल से मैं जब भी पढ़ाने आऊंगा मैं इक्विपमेंट कुछ लेके आऊंगा जिससे कि साफ करना बोर्ड बहुत आसान हो जाए। आज थोड़ी खतरनाक, थोड़ा मुश्किल परिस्थितियों में है, आप कुछ हाथ भी देख सकते हैं। अगले दिन से ये प्रॉब्लम कदापि नहीं होगी, आज ये लास्ट है, और दोबारा ये प्रॉब्लम होने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। तो अक्षित कतिवाल जी, आज लास्ट इस प्रॉब्लम को आप सामना कर लीजिए। आप कहेंगे तो बस अब देखिए, दो वर्ड है, सभ्यता और संस्कृति। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सभ्यता और संस्कृति एक ऐसा, यदि हम लोग इंडिया के हैं तो इस वर्ड को जरूर सुने होंगे। आप कोई कहे कि इस वर्ड को नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि वो मंगल ग्रह से आया हुआ। अब अच्छा, दो मिनट बस ब्रेक दीजिएगा, एक मिनट का ब्रेक दीजिएगा, बस एक सेकंड बस ब्रेक दीजिएगा, बस एक सेकंड में आ रहा। दो एक मिनट का ब्रेक है, कहीं कोई मत जाइएगा, बस मैं आ रहा हूं तुरंत।
बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा सा इंतजार कर लिया आपने और सॉरी कि आपको इंतजार कराना पड़ा विमल कुमार। तो बहुत मजा आने वाला इस बैच में, आप देखेंगे बहुत मजा आएगा। 90 दिनों तक हर सब्जेक्ट की पकड़ इतनी मजबूत होने वाली है आपकी। तो देखिए दो वर्ड है सभ्यता और संस्कृति, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। कभी कोई कहे कि सभ्यता सुने ही नहीं है, सभ्यता का मतलब ही नहीं पता है, तो समझिए मंगल ग्रह से आया हुआ है। इंडिया में बचपन से सभ्यता नाम है कोई चीज नहीं है, संस्कृति संस्कार तो बेच के खा गए, सुनते रहते हैं बचपन से हम लोग। तो दो वर्ड है सभ्यता और संस्कृति, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए बहुत सारे डिफिनेशन है, बहुत सारे टर्म है, चूंकि ये क्लास वन डे एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, तो हम इस टर्म को समझ लेना चाहते हैं ताकि हमें कुछ इस पर नोट्स अभी बनाना नहीं है। नोट्स बनाना हो बता दीजिएगा, मैं बनवा दूंगा इस पर बढ़िया टर्म फैक्ट डाल के। लेकिन यदि हमें इसे समझना है तो आप बस ये समझिए, सभ्यता हम उसे कहते हैं जिसे हमने बनाया है, जिसे हमने विकसित किया है, जो हमारे से रिलेटेड है। और संस्कृति वो है जिसे हम सीखते हैं, इसे हम डेवलप करते हैं और इसे हम सीखते हैं। सभ्यता वैसी चीज है। हाँ अरुण सर, तो अरे अरुण सर गजब, मतलब अरुण सर ने तो पहले ही बता दिया, अभी अरुण सर आज स्टूडियो में नहीं, तो अरुण सर ही पढ़ा देते आपको। बहुत गजब, मतलब मेरे भी गुरु हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। और बहुत अरुण सर प्रणाम फिर से आपको एक बार। तो सभ्यता हम उसे कहते हैं जिसे हमने विकसित किया है, और संस्कृति हम उसे कहते हैं जिसे हमने सीखा है। जैसे आज हम जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग लाइव हैं, जितने लोग स्टूडियो में हैं, आप सब लोग के पास एक कॉमन चीज है, मोबाइल। सबके पास फोन है, आप सब लोग के पास फोन है। ये जो फोन चलाना है, ये जो फोन चलाना है ये हमने सीखा है, ये हम जानते हैं, ये हमारा डिपार्टमेंट है। ये ऐसा नहीं कि हमने अपने पिताजी से, हमारे ऐसा है क्या कि आप लोगों के पिताजी आपको फोन चलाना सिखाए? वो हम जानते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कोई कोर्स लेना पड़ा, ये अपना डिपार्टमेंट है। हम लोग कभी कभी अपने पिताजी को सिखाते हैं फोन यूज करना, ऐसे पासवर्ड लगाइए, ऐसे लॉक खोलिए, उनको ऐसे फेसबुक पे अकाउंट बनाइए। तो ये हमारा डिपार्टमेंट है, ये हम जानते हैं, ये हम वेरी गुड बी स्किल्ड। तो ये जो है सभ्यता से रिलेटेड है। हम लोग कौन से सभ्यता के लोग हैं? मोबाइल एज सिविलाइजेशन के लोग हैं हम लोग, फेसबुक सिविलाइजेशन के लोग हैं हम लोग, व्हाट्सएप सिविलाइजेशन के लोग हैं। हमारे पिताजी रेडियो के जमाने के लोग थे, उनके लिए रेडियो, रेडियो में एंटीना लगाना, कभी कभी घर में एंटीना नहीं आता था तो तार जो है वो छत से लेके आते थे, तो वो रेडियो सिविलाइजेशन के लोग हैं। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सिविलाइजेशन है उनका। हमारा सिस्टम थोड़ा अलग है, अब हम लोग वाईफाई पे टीवी पे देख लेते हैं। अरुण सर जैसे, अरुण सर आप सब लोग जानते हैं उनका, अभी वो देख रहे हैं, मतलब अभी लाइव है आप लोग के साथ जुड़े हैं, लेकिन उनके यहाँ टीवी पे चल रहा है बकायदा। तो अरुण सर इस मामले में बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हैं और उनको ये चीज पता है। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। संस्कृति हम उसे कहते हैं जिसे हम सीखते हैं, जिसे हमने सीखा है। हम संस्कृति वैसी चीजों को कहते हैं जिसे हम जानते हैं, जिसे हमने सीखा है। जैसे जब कोई बड़ा आदमी मिलता है तो हम पैर छू के प्रणाम करते हैं। ये मैंने सोचा क्या एक दिन, कैसे सोचा क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग एकदम खाली है, एक दिन ऐसे कोई भी बड़ा आदमी मिलेगा ऐसे जाके पैर छू लेंगे। ये मैंने शुरू किया है क्या? मेरे पिताजी शुरू किए हैं, उनके पिताजी शुरू किए, पता नहीं कब से चला आ रहा है। ये है संस्कृति जो हम सीखे हैं, और ये है सभ्यता। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, तो ये सब क्या है? सिविलाइजेशन, और ये संस्कृति जिसे हम सीखते हैं। ये दो है। आप बताइए सभ्यता में ज्यादा परिवर्तन होता है या संस्कृति में ज्यादा परिवर्तन होता रहता है? दोनों में कौन ज्यादा परिवर्तनशील है, सभ्यता या संस्कृति? सभ्यता तो परिवर्तन हो ही रहा है। पहले टिकटॉक, नया नया टिकटॉक आया, पता नहीं कल कोई और आ जाए। ट्विटर चल रहा था, फेसबुक है, लोग आज फेसबुक को छोड़कर इंस्टाग्राम की ओर भाग रहे हैं। तो ये चेंज होता रहता है लगातार। मोबाइल एंड्रॉइड अचानक आ गया आप लोग के सामने, और इसी के साथ आप देख सकते हैं अभी भी कुछ बदलाव आ रहा है। अब संस्कृति में चेंज होता है या नहीं होता है? संस्कृति में भी चेंज होता है, लेकिन चेंज का स्वरूप वहां थोड़ा धीमा रहता है। जैसे पहले हम लोग किसी का पैर छूते थे, आजकल हम लोग घुटना छूते हैं। तो चेंज हुआ होगा पर बहुत स्लो, वो प्रोसेस बहुत स्लो है, भाव वही है, मूल वही है। तो ये है सभ्यता और संस्कृति। अब आप कितना समझे हैं इस बात का पता इससे चलेगा
कि दिवाली मनाना, दीपावली मनाना, आप जो दीपावली मनाते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये सभ्यता है या संस्कृति? जल्दी से बताइए, दीपावली दिवाली मनाना सभ्यता है या संस्कृति? हमें पहले से पता रहता है कैलेंडर पे, इतने तारीख को दिवाली है, सुना है राम जी के समय से मनाया जा रहा है, तो ये जो है सभ्यता है, ये संस्कृति है, सॉरी, ये संस्कृति है जिसे हमने सीखा है। अरे अरुण सर, दिवाली मनाना संस्कृति जिसे हमने सीखा है, ये हम लोग सीखते हैं। अच्छा, अब ये दिवाली का मतलब है संस्कृति। अब हम लोग, दिवाली आता है पटाखे चलाते हैं, दिवाली में पटाखे चलाना, क्रैकर्स चलाना सभ्यता है संस्कृति? क्रैकर्स चलाना सभ्यता है, ये हमारा काम है। हमारे बचपन में आप देखते होंगे आलू बम पटा, और क्या कहते हैं, महताब, और अलग अलग प्याज बम चलता था। आजकल नए नए पटाखे आ गए, नए नए बम चलते हैं, तो अब अलग अलग है। ये जो पटाखे में परिवर्तन आ रहा है तरीके में, ये है आपका सभ्यता और ये संस्कृति। हर देश की सभ्यता और संस्कृति एक होती है, अलग अलग होती है? हर देश की सभ्यता और संस्कृति सेम होती है, एक होती है या अलग अलग? अलग अलग होती है। देश के अंदर भी ये सब अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि झारखंड के आदिवासी, आज जैसे फोन हम जो चलाते हैं एंड्रॉइड का जो अपडेटेड है, किटकैट या पता नहीं, अब मैं थोड़ा कम जानता हूं इस मामले में, हिस्ट्री पढ़ाता हूं ना, तो ये कम टेक्निकल थोड़ा कम हूं, तो ये सब चीजें जो अपडेटेड चीज है, जो सॉफ्टवेयर, वेरी गुड, डिफरेंट होती है, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। ये है सभ्यता और संस्कृति, और आप देखेंगे ये सभ्यता और संस्कृति ऐसा नहीं है कल्चर एडवांस वर्जन ऑफ सिविलाइजेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पे हम लोग बिल्कुल, अभी आप देखेंगे कि कई सारे संस्कृतियों को हम पढ़ेंगे, और जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम इन सब चीजों को और डिटेल से देखेंगे, आपको केस स्टडी किया जाएगा। ये हम लोग बस एक बेसिक समझ बनाने के लिए बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये हो गया सभ्यता संस्कृति। हिस्ट्री को शुरुआत में हमने तीन भाग में बांटा। हिस्ट्री को हम लोग कई आधार पे और विभाग में बांट सकते हैं। तीन और फेमस तरीके हैं हिस्ट्री को बांटने का, हिस्ट्री को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने का, और आप इन चीजों से देख सकते हैं हिस्ट्री को और अच्छे से समझ सकते हैं। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में तीन तरह के इतिहास आपको देखने को मिलेगा, प्री हिस्ट्री, अगला आपका जो पार्ट है वो है प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा जो पार्ट है वो है केवल हिस्ट्री। ये तीन पार्ट हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। गौरव मिश्रा, नाइस सॉन्ग, कोई बात नहीं है, सब नए हैं, हम भी नए, सब नए हैं। अब यहां पर प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, तीन पार्ट हैं। अब आपको जब मैं ये पूरी चीज बताऊंगा, आप समझ जाएंगे किन आधारों पर डिफ्रेंसिएशन किया गया है। सबसे पहले इन तीनों को यदि आपको समझना है तो हम लोगों को एक बार हिस्ट्री में चलना होगा। एक बार हम आपके गांव घूम के आते हैं, हम लोग सब गांव घूम के आते हैं, और आप तुरंत दो मिनट में समझ जाएंगे ये चीज क्या है। चलिए गांव घूम के आते हैं, हम लोग चलते हैं अपने गांव वाले घर पे, और हम लोगों का जो गांव वाला घर कैसा है मैं उसकी तस्वीर बनाने जा रहा हूं। जो आपका गांव वाला घर है उसका तस्वीर बनाने जा रहा हूं। कुछ ऐसा है आपका गांव वाला घर, ऐसे, मतलब यहां पे सड़क है और यहां पे सीढ़ी है, यहां पे दरवाजा है, आप अपने घर पे ऐसे एंट्री लेते हैं। अब मैं कोई मकबूल फिदा हुसैन तो नहीं हूं ना जो एग्जैक्ट आपका गांव वाला घर बना दूंगा, इसी में आपको अपने गांव वाले घर को खोजना पड़ेगा। अब आप इस तरह से एंट्री लेंगे, आप अपने घर पे जाएंगे, ये आपका गांव वाला घर है। कुछ इसी तरह ऐसे ये रोड है, सड़क है, ऐसे आप एंट्री लेते हैं। अरे छत से नहीं ना एंट्री लेते हैं, ऐसे फ्रंट से एंट्री लेते हैं ना, तो ये आपका गांव वाला घर है। अब हम लोग बचपन में अपने गांव वाले घर हमेशा आते जाते रहते थे। हमारे यहाँ तो मतलब कि जो भी वैकेशन है, छुट्टियां हैं, और वो पता नहीं क्या क्या लोग घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, हमारे लिए तो छुट्टियां का मतलब होता था गांव, और सब गांव जाते थे। हम जब बचपन में थे तब हमारा गांव वाला घर कुछ ऐसा था। धीरे धीरे हमारे गांव वाले घर के बगल की जो सड़क है वो बनती चली गई,
और उसके बनने के कारण हमारे गांव वाले घर की जो सीढ़ी है वो जमींदोज होती चली गई। बचपन में हम गांव वाले घर पे एंट्री लेते थे तो मान लीजिए चार सीढ़ियां चढ़नी होती थी, अब एक दो सीढ़ी चढ़ने से काम हो जाता है, मतलब ऊंचाई थोड़ी कम गई है। ऐसा कुछ लोग के साथ शायद हुआ होगा, कुछ लोग का घर तो अब ऐसा हो गया है कि चढ़ना नहीं पड़ता है, उतरना पड़ता है एंट्री के लिए। तो मतलब हमारे घर की ऊंचाई जैसे जैसे चीजें पुरानी हो रही हैं, वो जमीन दोज हो रही है, जमीन के नीचे जा रही है। ये हमारे गांव वाला घर है और ये धीरे धीरे जमीन दोज हो रहा है और ये जमीन के नीचे जा रहा है। जो नई घर है, जो नए मकान है, वो आप देखें कि उनकी ऊंचाई ज्यादा है। कितने साल में आपके गांव वाले घर की जो एक दो सीढ़ी है वो जमीन दोज हो गई? आप कह सकते हैं 10 साल में जमीन दोज हो गई, 10 साल में दो सीढ़ी कम गई, जमीन दोज हो गई। 10 साल में दो सीढ़ी कम रही है तो मान लीजिए 10 लाख साल बाद क्या होगा? 10 लाख साल बाद पूरा का पूरा गांव वाला घर जमीन दोज, जमीन के नीचे। हम लोग रहेंगे क्या? हम लोग भी नहीं रहेंगे, हम लोग भी भूत बन, मतलब हम लोग की भी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब हम में से जो लोग धार्मिक लोग हैं, व्रत व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत, मंगलवार का पूजा पाठ ध्यान करते हैं, उनको तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो भूत बन जाएंगे। और जब हम लोग भूत बन जाएंगे तो मान लीजिए, सब मानना है, हिस्ट्री में मानना है, मान लीजिए कि हम लोग भूत बन गए, एक दिन अचानक हमारी नींद खुली और हम लोग को अपने बचपन वाले घर का याद आना शुरू हो गया। अब हम लोग सोचे चलो अपने बचपन वाले घर में घूम के आते हैं। हम लोग घूम के आए, उड़ के जाएंगे, ट्रेन पकड़ के थोड़े जाएंगे, भूत हैं भाई, कुछ तो फायदा होना चाहिए। हम लोग उड़ के जाएंगे, हाँ कहाँ है घर, कहाँ मिल गया, यही है, जमीन के नीचे देख रहे हैं, ऐसे फूंक मारेंगे, मिट्टी हट जाएगी, गांव वाला घर सामने आ गया। अब हम लोग गांव वाले घर के गेट पे खड़े, अब एंट्री हम दो तरीके से ले सकते हैं, बिना गेट खोले भी एंट्री ले सकते हैं, भूत है ना, लेकिन फील नहीं आएगा। फील लेने के लिए क्या करेंगे? गेट खोल के एंट्री लेंगे। जैसे हम अंदर जाएंगे तो हमें बहुत सारी पुरानी चीज मिल सकती है, हो सकता है दादाजी का HMT का घड़ी मिल जाए, हो सकता है नोकिया 1100 मिल जाए, हो सकता है बहुत सारी पुरानी चीजें मिल जाए। इन्हीं पुरानी चीजों के हिसाब पर, इन्हीं फैक्टर को हम तय करेंगे कौन हिस्ट्री है। पुरातात्विक साक्ष्य, इसको मैं शॉर्ट में लिखा हूं, अभी फुल में भी लिख देते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब पुरानी चीज, अरे सर भूत बना, पुरानी चीज, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब पुरानी चीज। हो सकता है हम लोग बहुत पहले के घर पे गए तो हो सकता है हम लोग को मिट्टी के बर्तन मिल जाएं, हम लोग को हो सकता है कुछ पेंट किए हुए बर्तन मिल जाएं, हो सकता है हम लोग को कुछ धातु के, मेटल के बर्तन मिल जाएं। तो ये जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य है, वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो जब भी हम अब किसी तरह के घर में जाएं, कुछ तो पुरानी चीज मिलेगी ही, हो सकता है हम लोग को घर मिल गया, मिट्टी मिल गया, ये सब चीज तो पुरानी चीजें हैं। तो यहां आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री पार्ट में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बर्तन मिल सकता है, हम लोगों को कुछ भी मिल सकता है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा। अच्छा, जब हम बात करें प्री हिस्ट्री की, और प्री हिस्ट्री का मतलब होता है प्राक ऐतिहासिक काल, इस तरह के हिस्ट्री में हम लोगों को लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। लिखित साक्ष्य मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब हम घर पे गए, हमको दिखा वहां कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। जैसे अभी मान लीजिए आप इस कमरे में पहुंच जाएं, आपको लिखी हुई बहुत सारी चीजें मिल जाएगी बोर्ड पे, वहां लिखा हुआ कुछ मिला ही नहीं है, मतलब लोगों को लिखना नहीं आता था। और जब तक लोगों को लिखना नहीं आता था,
कोई सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था और हम लोग थोड़े टेक्निकल ज्यादा हो गए हैं, एक मिनट में मतलब कि अब हम लोग वो वापस आ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए टेक्निकल चीजों पर काम करेंगे तो टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, वो आती हैं, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं। हर्षित मिश्रा, प्रवीण कुमार, सब लोग फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं, लाइव हैं आपके साथ। इस समय प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है आद ऐतिहासिक काल, और इस काल में पुरानी चीजें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, और लिखित साक्ष्य भी मिलेगा। लेकिन इनके द्वारा लिखे गए चीजों को जब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अनपढ़ वाली फीलिंग आएगी, पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है। वही हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या जो सीन चलता है, वही टाइप का पता ही चला क्या लिखा हुआ है। जैसे एक सभ्यता हमारे पास है, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जमींदोज हो गई थी और 1921 में हम लोग खोज सके। दयाराम साहनी नाम है वो व्यक्ति का जो सबसे पहले इसका पहला शहर खोजते हैं, और शहर का नाम है हड़प्पा। और जब वो हड़प्पा खोजते हैं तो वहां उनको बहुत सारी चीज लिखी हुई मिलती है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। आज तकरीबन 99 ईयर्स हो गए हैं हड़प्पा के खोजे गए, लेकिन अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। रोज कुछ लोग जाते हैं पढ़ने की कोशिश करते हैं, फुल टाइम ऑन टाइम सैलरी लेते हैं, लेकिन आज तक नहीं पढ़ पाए हैं और हमें पता नहीं कब पढ़ पाएंगे। तो इसी तरह से पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है और ये अभी तक हमें समझ में नहीं आया है, पता ही नहीं चल रहा है क्या लिखे हैं, और इसको हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और एग्जाम्पल है इसका सिंधु घाटी की सभ्यता, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लोग सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, और आप कह सकते हैं 600 BC के पहले के काल को इसी काल में रखा जाता है। अच्छा, यहां कुछ पुरानिक साक्ष्य मिलेगा, पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा नहीं मिलेगा, हिस्ट्री का मतलब ऐतिहासिक साक्ष्य, और यहां आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा, पुरातात्विक साक्ष्य आप देखेंगे मिलेगा, लिखित साक्ष्य मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, रिटन एविडेंस मिलेगा, और इस बार हम लोग पढ़ भी लेंगे। अभी कहीं चले जाइए कुछ लिखा हुआ है तो हम लोग पढ़ लेंगे, कैसे भी हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारा गूगल पढ़ लेगा। तो अब ये जो है क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, और एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं आफ्टर 600 BC के बाद हिस्ट्री शुरू और हिस्टोरिकल एविडेंस शुरू, 600 BC के बाद इतिहास शुरू। और ये है आपका बेसिक्स हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे इसमें पढ़ाने से मतलब ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये आपके लास्ट क्लास तक काम आएंगे, और ये जो बैच है कल से मतलब परसों से, कल से ही लाइव है, और GS स्पेशल का बैच है। आप लोगों को एक आखिरी बार मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, आज ये आज का जो क्लास है वो खत्म हो चुका है, और इसके बाद हम लोग जो है कल फिर से बैठेंगे। कल दूसरे सर, कल किन का क्लास है अभी आप लोगों के पास देखेंगे, आपके पास सीट आ जाएंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें देखेंगे, आपको हर क्लास की के वो मिल सकते हैं। अभी मेरे हाथ में ये कुछ है, विक्रांत सर रीजनिंग के जो हैं वो बहुत फेमस है, इसको 2 मिनट में आँख बंद करके भी सुलझा लेते हैं, आप लोग भी सीख सकते हैं उनसे। एक दिन आपको विशेष ऐप पर ये सिखाया जाएगा कैसे इस तरह से सॉल्व करें। और अब ये जो मैं अब जो हूँ ऐप पर आऊँगा, आज ये यूट्यूब पे पढ़ाने में आखिरी बार आया था, अब यूट्यूब पे आऊँगा, अब ऐप पे आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।